गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अजय कहाँ है? अजय अजय हेलो। मोनिका, सुशांत कहाँ है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो। आज हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमारा आइजन वैल्यूज, आइजन वेक्टर्स, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बचे थे, राइट? तो ये कंप्लीट करेंगे हम आज। वैसे तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि दो आइजन वेक्टर्स और आइजन वैल्यूज होता क्या है, बस इतना सफिशियंट है। हम उतना डिटेल में जाएंगे तो एटलीस्ट आपको इनकी डेफिनेशन याद रहेगी, इसलिए हम हाउ टू कैलकुलेट आइजन वेक्टर्स एंड आइजन वैल्यूज देखने वाले हैं क्विकली, फर्स्ट 15 मिनट्स में, 20 मिनट्स में। उसके बाद हम ग्रेडियंट डिसेंट का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ग्रेडियंट डिसेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव और वैसे भी, क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट अल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। चलिए फिर शुरू करते हैं आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज से। पिछले सेशन में ये बताया था कि आइगन वेक्टर्स क्या है। दोज वेक्टर्स आर द वेक्टर्स विच कैन बी स्केल्ड। मान के चलो कि एक वेक्टर है हमारे पास, ये स्केल हो सकता है, मतलब ये we can stretch it like this way or we can compress it like this way। अगर इसकी स्ट्रेचिंग होती है या फिर उसको कॉम्प्रेस किया जाता है तो उसको हम इसको फिर आइगन वेक्टर बोलेंगे। किसी भी एक वेक्टर को आइगन वेक्टर कब बोला जाता है? जब वो कॉम्प्रेस या एक्सपांड होता है। और कितने वैल्यू से होता है, कितने स्केलर क्वांटिटी से होता है ये एक्सपांड, उसको हम आइगन वैल्यू बोलेंगे उसकी। सिंपल डेफिनेशन है, राइट? याद रहेगी आपको, बट हम थ्योरी में फिर से नहीं जाएंगे आप, क्योंकि थ्योरी हमने ये देख ली थी पिछले लेक्चर में। उसके एप्लीकेशंस भी देखे थे। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं कवर करूंगा, शायद एक आध दूसरा मिसलेनियस लेक्चर हम ले लेंगे, उसमें मैं कवर करूंगा कि बिग ओ नोटेशंस होते क्या है। तो देखो, अब हम उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, मतलब किसी भी एक मैट्रिक्स से उसका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैट्रिक्स आर यूज्ड इन मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स टू रिप्रेजेंट अ लार्ज सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स आर अबाउट कंस्ट्रक्टिंग वन वेक्टर विद वन वैल्यू टू रिप्रेजेंट अ लार्ज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है हमने देखा है पहले दो तीन लेक्चर्स में, मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स के अलग अलग ऑपरेशंस भी हमने देखे हैं। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स हैज एक्स रोज एंड वाई कॉलम्स। तो ये 3x3 मैट्रिक्स है, हमें पता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब अगर किसी मैट्रिक्स का हमें आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आइगन वेक्टर इज एन अरे विथ एन एंट्रीज वेयर एन इज द नंबर ऑफ रोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आइगन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स, आइगन वेक्टर एक्स है। यहाँ पे एक नोट है, वी आर नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर व्हेन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड टू इट।
हम ये कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं हम अभी देखेंगे नीचे। तो कुछ रूल्स है उसके, कुछ कंपोनेंट्स है आइगन वेक्टर्स के, वो क्या है कि एक कंपोनेंट ये भी है, आइगन वेक्टर शुड बी अ नॉन नल वेक्टर, इट शुड बी अ नॉन नल वेक्टर। तो इसका एक फॉर्मूला है कैसे कैलकुलेट किया जाता है आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू, तो ए एक्स इंटू लैम्डा एक्स, ये उसका फॉर्मूला है। तो आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा है, लैम्डा इज आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर इज एक्स, सच दैट वी मल्टीप्लाई स्केलर लैम्डा टू वेक्टर एक्स, देन इट शुड बी इक्वल टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए, ए इज द ओरिजिनल मैट्रिक्स, इज स्केल्ड बाय वेक्टर एक्स व्हेन द मैट्रिक्स ए इज स्केल्ड बाय वेक्टर एक्स, वी विल गेट दिस लैम्डा एज अ स्केलर वैल्यू, इट्स कॉल्ड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर एक्स। तो आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा है, ये आइगन वैल्यू है, एक्स इज द आइगन वेक्टर। तो नॉर्मल जो भी वेक्टर है हम स्केलिंग कर रहे हैं, स्केल्ड बाय वेक्टर एक्स, उसकी स्केलिंग हो रही है वेक्टर एक्स से, मतलब ओरिजिनल जो भी अपना मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई बाय दिस वेक्टर, ओरिजिनल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा मतलब स्केलर स्केलर वैल्यू है ये, मतलब आइगन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आइगन वेक्टर। तो अब यहाँ पे दो स्पेशल कीवर्ड्स है, यहाँ देखो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ये दोनों हमने पहले लेक्चर में देखे थे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल वैल्यू वन होगी उसकी, वेरी गुड, डायगोनल वैल्यू वन होगी, ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, राइट। और डिटर्मिनेंट भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी आपको पता है, अपोजिट, राइट राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ टू बाई टू मैट्रिक्स एडी माइनस बीसी, ये वाला आपका डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। The determinant of a matrix is a number that is computed from a square matrix. In a nutshell, the diagonal elements are multiplied by each other and then they are subtracted together. देखो यहाँ पे उसकी definition भी लिखी है। We need to ensure that determinant of the matrix is zero. अभी determinant और identity matrix क्यों लगता है? तो determinant हमें क्यों calculate करना है? हमें इंश्योर करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स शुड बी जीरो, और लास्ट कंपोनेंट क्या है हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वी नीड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट हैज वन इन डायगोनल एंड ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, डायगोनल वाइज एलिमेंट्स वन होने चाहिए, बाकी एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल आई, लेटर आई। देखो अब ओरिजिनल फॉर्मूला क्या हुआ, ए इंटू एक्स इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एक्स, अब इसी को क्या करेंगे हम, लेफ्ट शिफ्ट राइट हैंड साइड वाला जो भी है इक्वेशन हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, ए इंटू एक्स माइनस, ये प्लस है यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा, माइनस लैम्डा इंटू एक्स इक्वल्स टू जीरो, और बाद में हमें ये कैलकुलेट करना है, वी नीड टू कंप्यूट अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो क्या होता है, ए माइनस लैम्डा इंटू आई इक्वल्स टू जीरो, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये हमें फॉलो करना पड़ता है, और उसके बाद डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ता है सेम चीज का, ए माइनस लैम्डा इंटू आई का, दिस शुड इक्वल टू जीरो। सिर्फ वही ए एक्स इंटू एक्स
इक्वल टू लैम्डा आई, इसी को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ए इंटू आइगन वेक्टर माइनस आइगन वैल्यू इंटू आइगन वेक्टर इक्वल टू जीरो। यहां पे देखो फाइंड द लैम्डा, अब पहली ये आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा है हमारी ए माइनस लैम्डा इंटू आई इक्वल टू जीरो। अभी हमें ये कैलकुलेट करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो। तो लैम्डा इंटू आई क्या होगा, लैम्डा इंटू आई क्या होगा, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको अगर मल्टीप्लाई बाय लैम्डा किया हमने तो आई वन की जगह पे सिर्फ लैम्डा आ जाएगा, राइट। लैम्डा एक्चुअली वी शुड राइट दिस वे, राइट, लैम्डा इंस्टेड ऑफ राइटिंग द वर्ड लैम्डा। अभी ये कैलकुलेट किया है, लेट्स से वी आर हैविंग ओरिजिनल मैट्रिक्स ए एज दिस, राइट, 3x3 का एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई। तो ए माइनस लैम्डा आई क्या हुआ, ए माइनस लैम्डा आई, लैम्डा आई तो कैलकुलेट किया हमने ऑलरेडी, तो ये क्या हुआ ए माइनस लैम्डा, ए माइनस लैम्डा। अब आपको पता है कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, आप कोई बताएगा, ए माइनस लैम्डा, राइट, बी माइनस जीरो, ये तो माइनस जीरो, ये सारे ऑपरेशन हमने देखे थे, सी माइनस जीरो, डी माइनस जीरो, ई माइनस लैम्डा, ये सेम ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन काफी सिंपल है, डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, हमने वो भी देखा है। और डिवीजन हम नहीं करते तो हम अल्टरनेटिवली क्या करते हैं, कोई बताएगा, इनवर्स कैलकुलेट, इनवर्स करते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, मतलब आपको सब याद है, राइट, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो अगर ये आपने कैलकुलेट किया तो फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा इंटू आई। अब ये डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट होता है ये भी आपको पता है, अब 3x3 का कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3x3 का ए इंटू लैम्बडा, ए इंटू लैम्बडा लेंगे फिर ई माइनस लैम्बडा इनका करेंगे हम कंप्यूट, ये वाला मैट्रिक्स ले लेंगे, राइट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, ये वाला मैट्रिक्स ले लेंगे 2x2, दिस 2x2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए माइनस लैम्बडा, देखो यहाँ पे, फिर दूसरा बी माइनस बी इंटू, बी इंटू क्या करेंगे हम, बी वाली रो छोड़ेंगे, बी वाला कॉलम छोड़ेंगे, डी इंटू डी इंटू लैम्बडा होगा, हाँ डी इंटू आई माइनस लैम्बडा, आई माइनस लैम्बडा, डी इंटू आई माइनस लैम्बडा और एफ इंटू जी, देखो यहाँ पे वही लिखा है। फिर आता है सी, सी का कॉलम छोड़ो, सी का रो छोड़ो, डी इंटू एच और माइनस जी इंटू ई माइनस लैम्बडा, राइट, जी इंटू ई माइनस लैम्बडा, बस इसको कैलकुलेट करो आप, जो भी आंसर आएगा वंस वी सॉल्व दिस इक्वेशन अब वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। तो लैम्बडा लैम्बडा हर जगह लैम्बडा है, लैम्बडा की बस वैल्यू पता नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज पता है आपको, तो हम इजिली वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, दीज वैल्यूज आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। अब एक बार लैम्बडा आ गया तो हमारे पास फिर सारे पैरामीटर्स है, अब ए माइनस लैम्बडा इंटू आई मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू जीरो। उससे हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि तो सारी वैल्यूज है, अब ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है हमारे पास, लैम्बडा की वैल्यू मिल गई बाय यूजिंग अबो इक्वेशन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी पता है, लैम्बडा इंटू आई तो हमने कैलकुलेट किया था, उससे लैम्बडा भी आ गया था, इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, बस पुट करो और एक्स की वैल्यू निकालो। अब यहाँ पे वही किया है, देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल में हमने यहाँ पे एक्चुअली 2x2 का मैट्रिक्स लिया है क्योंकि 3x3 का काफी हेवी कैलकुलेशंस होते हैं उसके, बट आपको
इसलिए मैंने दोनों यहाँ पे रखे हैं एग्जांपल्स, एक तो 3/3 का भी ये वाला कैलकुलेट करो, अभी जो करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल वो 2/2 मैट्रिक्स का करेंगे। देखो यहाँ पे एक ओरिजिनल मैट्रिक्स है हमारे पास, तो हमें पता है फर्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो करो ये वाला, फिर हम देखेंगे ये रिजल्ट आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये टर्म लैम्डा 0 0 लैम्डा होगी, राइट, ये वाली टर्म। हाँ बस उससे ये सब्सट्रैक्ट करो, ये इससे ये टर्म पूरी एक सब्सट्रैक्ट करो आप, 2 माइनस लैम्डा -1 4 और 3 माइनस लैम्डा आ जाएगा। फिर ये करोगे आप तो डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा आपको इस चीज का। अब ये आता है एक इक्वेशन, λ² - 5λ+10, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आज तो काफी हेवी लेक्चर लेना है इसके बाद, बट अगर आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ये दो वैल्यूज मिलेगी आपको, और आप ये भी देख सकते हैं हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पता है किसी को कैसे सॉल्व किया है? ऐसा उनके एडिशन -3 -5 ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला टाइप लगाया है क्या? नहीं, फॉर्मूला नहीं, उसकी एडिशन 8 आनी चाहिए और उसका मल्टीप्लिकेशन 50 आना चाहिए। एक्चुअली ये क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो एक्स माइनस थ्री कैसे किया है कि ये जो सेकंड टर्म है इन, ये -3 और -5 कितना है, -8 है, तो एडिशन माइनस ये वैल्यू आनी चाहिए और उनका मल्टीप्लीकेशन लास्ट वैल्यू आनी चाहिए, कॉन्स्टेंट वैल्यू जो भी है अपने पास वो आना चाहिए। तो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम, फैक्टराइजेशन या फिर डिकम्पोजिशन, एलडीए में डिटेल में पढ़ेंगे ये वाली चीज, बट ये सेम है, डिकम्पोज कर रहे हैं इसी को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हमें मिल रहे हैं दो, अब दो फैक्टर्स उसके, राइट, तो दो फैक्टर्स मिलने के बाद इसकी भी दो वैल्यूज मिल रही है आपकी, एक्स स्क्वायर की या फिर एक्स की दो वैल्यूज मिल रही है, एक तो x-3 x-5 आ गया, तो एक्स की दो वैल्यूज क्या मिली, x=3 और x=5, दिस इज द आंसर। और एक एग्जांपल देखना है, या एक एग्जांपल देखो, सिमिलर सिमिलर एग्जांपल्स है, राइट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप सॉल्व होता है, या फिर एक हद आर्टिकल पढ़ो इसके अराउंड, x² + bx + c वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये तो हम लोगों ने काफी की है पहले। ये मुझे लगता है आपने अपन ने 10वीं या फिर 9वीं में ये किया है, बट हाँ अभी सर, टेंथ में था शायद। तो चलो ऐसा मानते हैं कि आप भूल भी गए हैं, फिर भी हमने वो एक एग्जांपल देखा, सिमिलर वे में यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं ये वाली चीज, λ² - 5λ+10 = 0, तो ये वाला आंसर आ गया है। इतने डिटेल में नहीं जाना है अभी, तो हमें सिर्फ यही पढ़ना है कि आइगन वेक्टर क्या होती है, आइगन वैल्यू क्या होती है, दैट्स इट, इतना याद रहे तो भी सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो, टू हमारे पास दो वैल्यू आ गई, उसके बाद वी हैव कंप्यूटेड आइगन वैल्यू, लेट्स कैलकुलेट आइगन वेक्टर्स। ये कैसे कैलकुलेट होता है, ए माइनस लैम्डा, ऐसे लैम्डा पता है हमें, आई भी पता है, तो 2 -1 4 3 -5/2 + i((15)/2)(1001), तो उसकी वैल्यू ये वाली आती है, अगर आपने कैलकुलेट किया तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, फाइनल वैल्यू जो है हमारा
ये आइगन वेक्टर ये आ गया, बट ये तो बैकएंड में कैलकुलेशन हो रहा है इतना हेवी। अगर आपको पाइथन इम्प्लीमेंटेशन चाहिए तो इट्स वन लाइन ऑफ कोड ओनली। देखो यहाँ पे 2 - 1 = 4, 3 है, राइट? सेम एग्जांपल मैंने लिया है, 2 - 1 = 4, 3। तो आइगन वेक्टर देखो यहाँ यहाँ पे क्या आया है, 2.5 + 1.9j। देखो यहाँ पे 2.5 + 1.5j यहाँ पे आया आया है, आई जे जो भी आप यूज करना चाहते हो इमेजरी को, इमेजरी पार्ट को, तो आप कर सकते हो। देखो ये दोनों सेम आया है, राइट? और जो फाइनल आंसर आया है हमारा वो भी देखो, -1 + 0.4। ये इसको कैलकुलेट करो सिर्फ, आप आंसर यही है, सारे इमेजरी पार्ट्स आए हैं। तो वन लाइन ऑफ कोड है इम्प्लीमेंटेशन। रियल लाइफ में तो ये भी यूज नहीं करते हैं, लीनियर अलजेब्रा का भी लाइब्रेरी यूज भी नहीं करते बैकएंड में। जो भी हम साइकिट लर्न या फिर टेंसर को यूज करेंगे, आगे जाके पाइटॉर्च यूज करेंगे, ऑटोमेटिकली ये सब चीजें वो कैलकुलेट करेगा। बट इंटरव्यू के सवाल क्या तैयार होते हैं, राइट? तो इंटरव्यू के आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू क्या है एग्जैक्टली, उसका कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेते हैं। तो फॉर्मूला ये वाला ये वाला याद रखो, एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, दैट्स इतना सफिशिएंट है ये वाला, क्योंकि मुझे तो कभी पूछा नहीं गया, बट मेरे एक स्टूडेंट को कॉग्निजेंट की एक टेस्ट होती है शुरुआत में एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू में इसके रिलेटेड 2 questions थे, तो था कि आइगन वेक्टर क्या होता है, और 4 options थे, काफी सिंपल था वो क्वेश्चन, और दूसरा था उसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में शायद कोई कोई कंफ्यूज होता है, बस उसी एक ही कंपनी ने पूछा था एक स्टूडेंट को, बाकी तो इसी के इसके ऊपर तो कोई सवाल नहीं बना। सवाल बनते हैं एक्चुअली प्रोबेबिलिटीज के ऊपर ज्यादा। प्रोबेबिलिटी मतलब अगर मेरा बर्थडे और लेट से सुशांत का बर्थडे बर्थडेट एक ही तारीख नहीं है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, या फिर एक ही तारीख है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो कोई कुछ भी घुमा फिरा के या फिर डाइस का पूछ लेंगे क्वेश्चन। अगर 2 dice है, दो डाइस मैंने मैं 2 dice यूज कर रहा हूं, और तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ 7, तो 7 sum आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है व्हेन वी यूज 2 dice टुगेदर। तो हम वो प्रोबेबिलिटीज में देख लेंगे नेक्स्ट सेशंस में, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो हो गया अपना आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा का एक लास्ट पार्ट बचा है, वो है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। तो हमने करीब 4 sessions लिए उसकी, इसके ऊपर लीनियर अलजेब्रा के ऊपर। प्रोबेबिलिटीज के ऊपर 2 sessions लेंगे, उसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स को शुरुआत। ठीक है, चलो ग्रेडियंट डिसेंट हम समझ लेते हैं। उससे पहले ग्रेडियंट डिसेंट क्यों यूज होता है और थोड़ा सा बैकग्राउंड हम प्रिपेयर करते हैं। मैंने पिछले एक सेशन में ये बताया था आपको कि कुछ डेटा लिया था हमने,
कि जैसे नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वन है, टू है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस थ्री है, फोर है, किसी का फाइव है, वन, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इन लैक्स और 5 लाख। तो 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 2 है, 3 के लिए 3 है, 4 के लिए 4 लाख सैलरी है, और 5 लाख, 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के लिए 5 लाख है। तो बेस्ट फिट लाइन या फिर लाइन कैसे ड्रॉ होती है, तो मैक्सिमम डेटा पॉइंट से ये लाइन जानी चाहिए, उसको हम बोलेंगे आप लीनियर रिग्रेशन लाइन या फिर बेस्ट फिट लाइन, बेस्ट फिट लाइन। बट रियल लाइफ में इतना सिंपल डेटा नहीं होता है, अगर इतना सिंपल डेटा होता तो मैथमेटिकली ही कैलकुलेट करते हैं हम मशीन लर्निंग का यूज करते ही नहीं। तो हो सकता है कि किसी का 2 साल का एक्सपीरियंस है बट सैलरी थोड़ी सी कम है, किसी का 2 साल का ही एक्सपीरियंस है बट सैलरी थोड़ी सी ज्यादा है, यहाँ पे 3 साल के लिए भी थोड़ी सी किसी को सैलरी ज्यादा मिलती है, किसी को यही मिलेगी। 4-5 रिकॉर्ड्स है हमारे पास, 3 साल के एक्सपीरियंस के 3 कैंडिडेट है, उनकी ऐसे अलग अलग सैलरी रेंज है, 4 साल के एक्सपीरियंस वालों के भी ऐसे सैलरी रेंज है। तो ये वाले डेटा पॉइंट्स बन गए कुछ हमारे पास। अभी डेटा पॉइंट्स एग्जैक्टली इस लाइन पे सारे तो नहीं आएंगे, और अगर मैंने आपको बोला आपकी बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करके दिखाओ, ये डेटा पॉइंट इट शुड एनक्रॉसेस मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स, इट शुड क्रॉस थ्रू मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स, इसको बोलेंगे हम बेस्ट फिट लाइन। ये लाइन ड्रॉ करना मतलब एक इक्वेशन मिलना, एम एक्स प्लस सी का ये इक्वेशन है, इस लाइन का एक इक्वेशन है एम एक्स प्लस सी, दिस इज नथिंग बट आवर मशीन लर्निंग मॉडल, यही एक मॉडल है एम एक्स प्लस सी वाला। एम एक्स क्या है कोई बताएगा मुझे? एक्स क्या है? इनपुट हम इनपुट क्या है इस केस में? 1, 2, 3, 4 ये एक्स वाला इनपुट होता है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, वाई ओ ई लिखता हूं मैं, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ये हमारा इनपुट है यहाँ पे, ये इनपुट पर हमने एम कैलकुलेट किया, सी कैलकुलेट किया, फिर हम सिर्फ इनपुट देते रहेंगे और हमें मॉडल जवाब देता रहेगा, और एम और कैलकुलेट एम एक्स प्लस सी, इसको बोलेंगे हम वेट उसका, या फिर बोलेंगे कोएफिशिएंट, इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट इंटरसेप्ट, या फिर बोलेंगे हम बराबर आप बोले कांस्टेंट वैल्यू है ये। अब इंटरसेप्ट यानी क्या, यही लाइन अगर मैंने ऐसे एक्सटेंड की तो ये जहां पे क्रॉस हो रही है ये वाला पॉइंट वाई पे जो भी ये लाइन क्रॉस हो रही है इसको हम बोलेंगे इंटरसेप्ट, ये इसको जो जहां पे ये वाई को इंटरसेप्ट करेगा, वाई को जहां पे, या हर बार ऐसा नहीं है कि यहीं पे लाइन कट करेगी, हो सकता है कि आपकी लाइन यहाँ पे भी कट करे, यहाँ पे कट करे, यहाँ पे कट करे। यम एक्स प्लस सी वेट और इंटरसेप्ट, या फिर इसको बायस टर्म भी बोलते हैं, वेट्स और बायसेस, वेट्स एंड बायसेस, ये हो गया वेट और ये हो गया बायस। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लीनियर रिग्रेशन जब शुरू होगा 3 से 4 सेशंस हम इसी में लगाने वाले हैं, ये कैसे कैलकुलेट मैथमेटिकली होता है और प्रोग्रामेटिकली भी कैसे होता है, ये दोनों देखेंगे हम। अभी के लिए समझो कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ रही है ये वाली, तो अगर सिर्फ हमने ये इनपुट दिया, अब इसके लिए तो डेटा है, बट मैं अगर बोलता हूँ कि 6 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा है तो कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इंटरनली इक्वेशन कैसे तैयार होगा, एम इंटू 6 प्लस सी, राइट, एम इंटू 6 प्लस सी, ये वाला कैलकुलेट होगा। तो यहां पे अगर देखा जाए तो एम की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये क्या है 1 लाख आती है, अगर आपने कैलकुलेट किया ना तो ये वैल्यू 1 लाख आती है, 1 लाख इंटू 6 प्लस 0,
इक्वल्स टू 6 लाख, यह हमारे मॉडल ने आउटपुट दे दिया। तो यहाँ पे तो ये इंटरनली कैलकुलेट कैसे करता है, एक बार ये प्लेन डालता है, प्लेन बोलो इसको या फिर बेस्ट फिट लाइन बोलो, ये बेस्ट फिट लाइन डालने के बाद ये क्या करता है, आपने एक्स की वैल्यू दे दी तो एक्स की वैल्यू क्या करता है ऊपर लेके जाता है इस लाइन तक, और फिर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालता है और ये बोलता है कि ये 6 लाख है ये वाली फिगर, बस दैट्स इट, इतना सिंपल काम करता है इंटरनली, ये कैलकुलेट करता है ये वैल्यूज, बस ये वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद ये वाले रिजल्ट मिलते हैं हमें। बट आप बोलोगे फिर कि ये मान के चलो कि ट्रेनिंग डेटा है मेरा, अब ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा का मतलब क्या होता है ये एक बार समझ लेते हैं। मेरे पास ये वाला एक डेटा है जहां पे 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए 2 लाख है सैलरी, 2 लाख, 1 लाख, 3, 4, 5 लाख, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 लाख, और 1 लाख के लिए 2 लाख क्या है 1 लाख भी है, 2 साल के लिए 2 लाख है और 1.5 लाख भी है, 2 बंदे हैं हमारे पास, 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए 3 लाख है, फिर 4 लाख है, फिर 5 लाख है। अब आप बताओ मुझे कि लाइन कैसे ड्रॉ होनी चाहिए, तो ये वाली लाइन होनी चाहिए आपके हिसाब से, या फिर ये वाली लाइन होनी चाहिए, या फिर ये वाली लाइन होनी चाहिए, जो डार्क है, हाँ जो डार्क से ज्यादा पॉइंट कवर कर रही है, हाँ वो ज्यादा पॉइंट कवर कर रही है, ज्यादा पॉइंट कवर कर रही है, ये वाली लाइन है। अब ये वाली अगर लाइन बन गई तो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली मॉडल को सिखाया हमने इस वाले डेटा सेट के ऊपर, जहां पे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही डेटा पॉइंट्स इसके ऊपर हमने एक मॉडल ट्रेन किया, ट्रेनिंग के दौरान उसने एक बेस्ट फिट लाइन कैलकुलेट की और एक इक्वेशन भी दिया हमें, mx plus c वाला एक इक्वेशन जहां पे c है m है ये कैलकुलेट करके दे दिया उसने, तो हम एक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं y की वैल्यू जो भी आती है, ये y है ये x है, y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट आवर y, mx plus c equals to y। बट जब हम ये कैलकुलेट कर रहे थे एक्चुअली तब ये वाला एक एरर है, ये एरर है, ये एक एरर है, एक एरर है, ये एक एरर है, दो एरर्स है यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम एरर्स। इसको ऑप्टिमाइज करना हमारा काम है, इस एरर को ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज का मतलब कम से कम करना, एरर्स कम करना, इसको बोलेंगे हम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एरर्स। अब कभी कभी ऐसे होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ सेवरल डेटा पॉइंट्स है हमारे पास, जब बेस्ट फिट लाइन वो इंटरनली तैयार करता है तब ऐसे नहीं कि एक ही इटरेशन में वो बेस्ट फिट लाइन ढूंढ पाता है, ये क्या करेगा इटरेटिवली ये एरर्स रिड्यूस करने का ट्राई करेगा। पहले हो सकता है कि यहाँ इसने ऐसे लाइन डाली हो शुरुआत में, फिर क्या करता है ये एरर्स कैलकुलेट करता है, सारे एरर्स कैलकुलेट करेगा, ये वाला एरर कैलकुलेट करेगा, यहां से यहां तक का एरर कैलकुलेट करेगा, ये एरर कैसे कैलकुलेट करेगा तो ये उनका मीन स्क्वेयर्ड एरर्स लेगा, ये मीन स्क्वेयर्ड एरर, स्क्वेयर्ड एरर लेगा, कुछ डेटा पॉइंट्स नीचे भी हो सकते हैं लाइन के, कुछ ऊपर भी हो सकते हैं, तो इसलिए स्क्वेयर्ड एरर्स हम लेते हैं। अब मैं 2 मिनट में आऊंगा उसके ऊपर। अब इटरेटिवली ये क्या करता है, बेस्ट फिट लाइन ढूंढने की कोशिश करता है, कम से कम एरर आने चाहिए। अब आप बताओ कि इन 2-3 लाइन में कहां एरर सबसे कम है, ऑप्टिमाइज्ड है,
इन तीन लाइन में। ये पहली वाली से पहली वाली ज्यादा स्ट्रेट लाइन, ये चार नंबर तीन में, तीन में एरर कम दिख रही है ऊपर से भी और नीचे। हाँ राइट, तीन या दो या तीन में एक और लाइन अगर डालते हैं हम तो वो लाइन शायद है यहाँ पे एरर्स ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम मतलब ये और नीचे वाले एरर्स हम मीन ले रहे हैं उसका और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में इस लाइन को एग्जैक्टली बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब इसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, एरर्स को कम करना, इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइज, इन एरर्स को कम करना। अब ये एल्गोरिदम एक्चुअली कैसे होता है, तो इंटरनली एक एल्गोरिदम वर्क करता है उसी का नाम है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम। ये क्या करता है, एरर कम मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। अब हम मीन स्क्वेयर्ड एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं एक मैं बताता हूं आपको। अब ले लेंगे वेट, ठीक है, वेट वर्सेस BOI बॉडी मास इंडेक्स BMI जो भी, या फिर ठीक है वेट वेट ले लेंगे। मान के चलो कि अब राजेश, कुछ कुछ लोग हैं हमारे पास राइट, सुशांत, अजय, आलोक, विवेक, तो उनका वेट है, वेट टू बॉडी मास इंडेक्स BMI कैलकुलेट कर रहे हैं हम। तो हो सकता है कि एक वेट यहाँ पे है, एक वेट यहाँ पे है, एक वेट यहाँ पे है, एक वेट दूसरा यहाँ पे है, एक दो तीन चार और एक वेट यहाँ पे है। तो मीन स्क्वेयर्ड एरर्स मीन क्यों कैलकुलेट करते हैं हम, एरर्स की मीन स्क्वेयर एरर्स ये कैलकुलेट क्यों करते हैं, और ये ऑप्टिमाइज करना काम हमारा है या फिर उस एल्गोरिदम का है, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम का काम क्या है, इसको ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज मतलब कम करना, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम ये भी एक एल्गोरिदम है। अब मान के चलो कि मेरा वेट 74 है, सुशांत का वेट 67 है, अजय का वेट 78 है, आलोक का वेट 71 है, विवेक का वेट 67 है फिर से, और मॉडल ने एक्चुअली प्रेडिक्ट क्या किया कि मेरा वेट 70 है, सुशांत का वेट 67 ही है, अजय का वेट ज़्यादा प्रेडिक्ट करते हैं हम 80 है, ये प्रेडिक्शन है, वाई प्रेडिक्ट बोलते हैं हम, प्रेडिक्टेड वैल्यूज वर्सेस एक्चुअल वैल्यूज, ये एक्चुअल है। यहाँ पे आलोक का वेट 70 कैलकुलेट किया हमारे मॉडल ने और विवेक का वेट 66 कैलकुलेट किया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर हम एक्स माइनस वाई, एक्चुअली ये माइनस एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड अगर हमने किया, वाई माइनस वाई हैट अगर ये वाला किया हमने, y माइनस वाई हैट, तो मुझे बताओ कि कितना आता है डिफरेंस, 4 0 माइनस 2 1 1 माइनस 1 और इनके साथ सम बोलो आप कितने, ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 होगा, 2 होगा, क्योंकि -4 + 1 -3 2 राइट। अब ये क्या करता है, इंटरनली एक्चुअली ये नलीफाई कर रहा है पॉजिटिव विद नेगेटिव, और मुझे एरर्स का एक्चुअल में पता नहीं चल रहा है कि कितने एरर्स हैं, तो हम क्या करते हैं अब इसको स्क्वेयर करेंगे, मीन स्क्वेयर्ड एरर्स करेंगे और मीन निकालेंगे। अब करो इसका 16 राइट, 4 का 16 प्लस 0 प्लस माइनस 2 का 4 प्लस 1 प्लस 1, ये स्क्वेयर निकालेंगे हम, ये
इसका स्क्वायर निकालेंगे आप, y माइनस y हैट का स्क्वायर निकालेंगे, अब कितना आता है 16 प्लस 4 22। अब ये जो 22 है उसको हम बोलेंगे मीन स्क्वायर एरर, और ये डिक्रीज करना हमारा काम है। एक्चुअली ये एरर से एरर्स बढ़ने नहीं चाहिए, राइट, ये जितने ज्यादा ये नंबर आ जाएगा उतने ही ज्यादा एरर्स हम बोलेंगे, उतना ही हमारे मॉडल की एक्यूरेसी कम है, हमारा मॉडल नहीं बना है जितने एरर्स है ज्यादा। तो ये इसका नंबर फिर कितना होना चाहिए आइडियली, ये वाला जो नंबर 22 आया है आइडियली कितना होना चाहिए? जीरो। हाँ वेरी गुड, ये जीरो होना चाहिए, एरर जीरो होने चाहिए, बट ये पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, बट ये जीरो के करीब होने चाहिए। अब ये जो पूरा कैलकुलेट करते हैं हम, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट एक वे है, एक मेथड है लीनियर अलजेब्रा की, उसके थ्रू हम ऑप्टिमाइज लाइन निकालते हैं। एक्चुअली इटरेटिवली ये लाइन फिट होती है डेटा के ऊपर, इटरेटिवली बोल रहा हूं मैं। एक्चुअली क्या होता है ये वाले एरर्स मान के चलो कि कैलकुलेट हो गए, अब क्या हुआ मैंने लाइन को ऐसे ऐसे निकाला, ऐसे ऐसे किया, ये वाला, ये वाली भी तो लाइन बन रही है राइट। अब ये मैक्सिमम डेटा पॉइंट से गुजरी ये वाली लाइन, देखो अब इसका मतलब क्या हुआ। अब हो सकता है कि राजेश का जो अभी वेट है वो उसने अब इस टाइप अगर लाइन मैंने ड्रॉ की तो एक्यूरेट दे दिया, इसका वेट क्या किया इसने 74 बताया। अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की ये वाली, ये जो सारे पॉइंट्स से होके गुजरती है ये वाली, अब मैंने कैलकुलेट की, मान के चलो पहले यहाँ पे थी एरर इतने आ गए 22, फिर मैंने लाइन को चेंज कर दिया, यहाँ से यहाँ लेके आया मैं लाइन को, अब यहाँ लेके आने के बाद इसने प्रेडिक्ट किया 74 ही 67, अजय का उसने एक्चुअली लेस बताया 78 था उनका एक्चुअल में, बट उसने बताया कम, तो हो सकता है कि 70 बताया उन्होंने। अब उसने यहाँ पे सेम मिल गया हमें 71 और यहाँ पे भी 67 एक्चुअली मिल गया, यहाँ पे थोड़ा सा कम आ गया क्योंकि ये डेटा पॉइंट फिर भी बाहर चला गया, बट ओवरऑल बोल रहा हूँ मैं, ओवरऑल जो MSE है, MSE बोलता हूँ अब इस मीन स्क्वायर्ड एरर, ये तो लोअर कम हो गया कि नहीं, ये कम हो गया एक्चुअली। ऐसे ही इटरेटिवली हम डेटा पॉइंट्स के ऊपर लाइन बनाते हैं, ये वाले कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे होते हैं, सब डेटा पॉइंट्स से लाइन तो हम नहीं पास कर सकते अगर डेटा ऐसा है तो, राइट, तो हमें बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। बेस्ट फिट लाइन हम फिर इटरेटिवली ऐसे ड्रॉ करेंगे, पहले यहाँ पे कुछ रैंडम इनिशियलाइजेशन होगा, रैंडम वेट इनिशियलाइजेशन बोलते हैं हम उसको, वेट mx प्लस टी का जो ये वेट है वो मॉडल हमारा रैंडमली चूज करता है, पहले रैंडमली चूज करता है, तो रैंडमली कभी कभी वेट बढ़ने से या कम होने के कारण लाइन ऐसी तैयार होती है यहाँ पे या फिर यहाँ पे तैयार होगी, और हम फिर MSE कैलकुलेट करते हैं, फीडबैक लूप होता है यहाँ पे हर वक्त MSE कैलकुलेट होगा, एरर कैलकुलेट होगा, और यम को हम एडजस्ट करेंगे, वेट को हम एडजस्ट करते रहेंगे। जब हम इस वेट को एडजस्ट करेंगे ये लाइन अपने आप शिफ्ट होगी, कहाँ तक शिफ्ट होगी तो ये ऑप्टिमम कम से कम एरर जहाँ पे है वहाँ पे आने के बाद अगर उसको लग रहा है कि एरर अब बढ़ रहे हैं फिर से, अब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो एरर बढ़ेगा ना, राइट, एरर यहाँ पे भी बढ़ेगा, यहाँ पे भी नीचे आने के बाद भी बढ़ेगा, ऊपर जाने के बाद भी बढ़ेगा, तो यहाँ से अगर बढ़ने लगा एरर तो यहीं पे स्टॉप होता है वो इटरेशन, और ये वाली लाइन ही हमें मिलती है बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये होता कैसे। ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब क्या होता है फिर से हम वो सब देखेंगे थ्योरी। अब ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब क्या है, डिसेंट करना यानी उतरना, नीचे उतरना,
ग्रेडियंट यानी स्लोप, स्लोप से नीचे उतरना। अब इमेजिन ऐसे करो कि आप एक समिट के ऊपर हो, माउंटेन के समिट के ऊपर, समिट यानी उसकी चोटी, चोटी के ऊपर मतलब क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट, पीक पॉइंट के ऊपर हो आप, समिट के ऊपर हो एक हाथ माउंटेन के, आप धीरे धीरे वैली की तरफ बढ़ रहे हो, तो आपको ये पता है कि एक्चुअली डाउनवर्ड्स जाने के लिए एनर्जी बहुत कम लगती है, और हमें अगर आपकी आग भी बंद की जाए, यहाँ पे आप आग बंद कर रहे हो और सिर्फ स्टेप्स ले रहे हो, धीरे 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 स्टेप्स ले रहे हो, स्टेप्स कैसे ले रहे हो, तो ज़्यादा बहुत बड़े भी स्टेप्स नहीं ले रहे हो, बहुत छोटे भी स्टेप्स नहीं ले रहे हो, आप ऑप्टिमम स्टेप्स लेके नीचे उतर रहे हो धीरे धीरे करके, आपको लोवेस्ट पॉइंट तक जाना है। लोवेस्ट पॉइंट का मतलब वैली होती है, किसी दो समिट के बीच में एक वैली होती है, ये तो पता है आपको। एक एक माउंटेन है, राइट, एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर आप यहाँ पे हो, अब यहाँ से आपको नीचे जाना है, और आपके आपके आग के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, आपको नहीं पता है कि कैसे कहाँ से नीचे जाना है, बट आप मान के चलो कि इस साइड से धीरे 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 नीचे आ रहे हो, तो आपको ये पता होता है कि नीचे आने के लिए एनर्जी नहीं लगती, जब आप ऊपर जाते हो तब एनर्जी लगती है, ऊपर जाने के लिए और नीचे आना हमें वो सेंस कर सकते हैं हम बिना देखे हुए भी ये बोल सकते हैं कि मैं नीचे जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, या फिर मैं स्टेबल लैंड के ऊपर चल रहा हूँ, यह हमें पता लगता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके आपका टारगेट ये है कि नीचे आना है, आपका टारगेट क्या है, नीचे आना है, और ये वैली होने के बाद दूसरा पहाड़ है यहाँ पे, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। एक बार नीचे आ गए आप और यहाँ से आगे बढ़ने लगे तो आपको पता होता है कि अरे यहाँ पे आप नहीं बढ़ना है आगे, क्योंकि यहाँ पे फिर से दूसरा माउंटेन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लग रही है, फोर्स लग रहा है मुझे आगे बढ़ने के लिए, यहाँ से और मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, यहीं से यहीं रुकूंगा मैं। और ये जो है एक्चुअली ये जो बढ़ रहे हो आप, धीरे 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 बढ़ रहे हो आप, धीरे धीरे, अगर मैं जंप करते करते बढ़ा आगे तो हो सकता है कि मैं ये पॉइंट मिस करूं, और जंप करने लगा मतलब कि यहाँ से सीधा यहाँ से जंप किया मैंने यहाँ पे, यहाँ से जंप किया मैंने यहाँ पे, यहाँ से जंप सीधा किया मान के चलो कि अब यहाँ पे, ये पॉइंट मेरा मिस हो गया, ये जो ऑप्टिमम पॉइंट था, ये लोवेस्ट पॉइंट था, ये मिस हो गया मेरे से। तो जो स्टेप साइज है, स्टेप साइज मैं बोलूंगा आप इसकी, स्टेप साइज ये ऑप्टिमम होनी चाहिए, ये भी ऑप्टिमम होनी चाहिए, मैं कैसे भी कूद नहीं सकता हूं, और बहुत ही स्लो चलूंगा तो यहां तक आने के लिए काफी समय लग सकता है, काफी स्लो मतलब मैं धीरे 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 बढ़ रहा हूँ आगे, ये इतने छोटी छोटी स्टेप्स ले रहा हूँ, तो इससे भी क्या होगा, मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी समय लगेगा। तो स्टेप साइज को ही हम यहाँ पे लर्निंग रेट बोलते हैं, लर्निंग रेट, स्टेप साइज शुड बी शुड आल्सो ऑप्टिमम, सब ऑप्टिमम होना चाहिए, ज्यादा नहीं ना कम नहीं, एकदम जितना लगता है उतना ही, कम करेंगे आप स्टेप साइज तो काफी समय लगेगा यहाँ पहुंचने के लिए, जंप करते जाओगे कि हो सकता है कि ये पॉइंट ही मिस हो और आगे चले जाओ आप। तो ग्रेडियंट डिसेंट, ग्रेडियंट मतलब स्लोप से डिसेंट करना और ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंचना, ऑप्टिमम पॉइंट मतलब यहाँ पे एरर बहुत कम है इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे एरर रेट काफी कम मिलता है फिर आपको, एरर रेट MSE जिसको बोलते हैं, हमें एकदम कम मिलता है। देखो यहाँ पे, लेट्स से यू आर प्लेइंग अ गेम वेयर द प्लेयर्स आर एट द टॉप ऑफ माउंटेन एंड दे आर आस्क्ड टू रीच द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन, एडिशनली दे आर ब्लाइंड फोल्डेड, मतलब उनके आँख के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, तो आपको पता चलता है कि
व्हाट अप्रोच डू यू थिंक यू मेक टू रीच द लेक, लेक या फिर वैली पॉइंट? वैली पॉइंट मतलब लोवेस्ट पॉइंट होता है, राइट? द बेस्ट वे टू ऑब्जर्व द ग्राउंड एंड फाइंड वेयर द लैंड डिस्टेंस, मतलब लैंड का उतार कहाँ है, एग्जैक्टली कहाँ है, उस डिरेक्शन में आप चलते रहोगे, चलते जाएंगे आप. फ्रॉम दैट पोजिशन टेक्स द स्टेप्स इन डिसेंडिंग डायरेक्शन एंड इटरेट्स दिस प्रोसेस अंटिल वी रीच द लोवेस्ट पॉइंट. और जब तब तक चलते जाओगे जब तक आपको फिर से दूसरा माउंटेन नहीं लगता या फिर थोड़ा सा फोर्स नहीं लगता चलने में, क्योंकि उतरने में तो कुछ फोर्स नहीं लगेगा. और आपको पता है कि मतलब माउंटेन में अगर चढ़ना है तो काफी आपको फोर्स लगता है, एनर्जी लगती है. तो उस पॉइंट तक ही आप जाओगे जहां जहां तक जहां पे वैली है. अब यहां पे देखो इस डायग्राम में ग्रेडियंट डिसेंट इज इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम. ग्रेडियंट डिसेंट एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है. ऑप्टिमाइजेशन मतलब वो एरर्स कम करता है. और क्या फाइंड करता है? लोकल मिनिमम ऑफ अ फंक्शन फाइंड आउट करता है. ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन को मिनिमाइज करना उसका काम है. ये क्या है, हाइपरबोला है या पैराबोला है? पैराबोला. क्या बोला देखो यहाँ पे, राइट? ये पैराबोला का इक्वेशन है. एक्चुअली ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है? एक पैराबोला का इक्वेशन होता है. व्हेन अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन डायरेक्शन और अ स्ट्रेट लाइन एंड फ्रॉम द फोकस देन इट इज कॉल्ड पैराबोला. यह हमारे पास एक पैराबोला का इक्वेशन है बेसिकली. ये वाला. अब यहाँ पे एक कॉस्ट है, यहाँ पे वेट्स है, यहाँ पे वेट है, यहाँ पे कॉस्ट है. कॉस्ट का मतलब एरर्स वर्सेस वेट. अब हमने देखा है कि एरर्स कम से कम होने चाहिए, राइट? एरर्स कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब एरर्स है. कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, वेट ऑप्टिमम होना चाहिए. ये पॉइंट बताओ मुझे कि कहाँ पे एरर्स और कॉस्ट कम से कम है, दोनों कम होना चाहिए या फिर दोनों ऑप्टिमम होना चाहिए. कम नहीं बोलता मैं, ऑप्टिमम. कॉस्ट कम होनी चाहिए, वेट तो कुछ भी होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. वेट वेट कैसे भी हो, कॉस्ट ऑप्टिमम होनी चाहिए. बिल्कुल नीचे साइड, यहाँ राइट, यहाँ पे, यहाँ पे जो आप बोलते हो ये वाला, ये वाला पॉइंट है. अगर हमने यहाँ से भी शुरू किया इनिशियल वेट, इनिशियल वेट मतलब लाइन अगर हमारी ऐसी है, अगर ये वाले डेटा पॉइंट्स है मेरे पास, ये वाले डेटा पॉइंट्स है, अगर लाइन अब मान के चलो कि यहां से शुरू हो गई तो यहां से यहां जाना है हमें, या फिर अगर यहाँ यहाँ शुरुआत हो गई लाइन की तो यहां से यहां तक आना है. ये वाली वेस्ट फिट लाइन है, ये वाली, राइट? तो यहां से यहां जाना है या फिर यहां से यहां आना है. तो गलती से हमारे वेट बढ़ गए थे, इसमें वेट इंक्रीज हुए थे ये वाले लाइन में. ये वाली लाइन में वेट काफी कम थे. वेट का मतलब क्या, एम एक्स प्लस सी का यम, यम काफी कम था यहाँ पे. तो यहाँ पे लाइन आ गई, वो बेस्ट फिट लाइन. यहाँ पे यम का वेट मतलब यम की वैल्यू काफी ज्यादा थी, तो यहाँ आ गए, यहाँ पे लाइन आ गई. तो लाइन कहाँ पे भी हो,
चाहे लाइन यहाँ पे हो चाहे लाइन पैराबोला के इक्वेशन में यहाँ 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 की हो, ऑप्टिमम पॉइंट तो यहाँ पे है, यहाँ पे आना चाहिए। अगर ये कॉस्ट है हमारी और ये वेट है, तो वेट अगर यहाँ से इनिशियलाइज होता है, रैंडम इनिशियलाइज होता है यहाँ पे एक्चुअली, फिर डेटा के हिसाब से हम उसको सेट करते हैं रैंडम इनिशियलाइज करने के बाद। रैंडमली जब इनिशियलाइज होगा, रैंडमली मतलब कोई भी नंबर से शुरू होता है ये वाला, फिर कॉस्ट कैलकुलेट होता है, फिर हम एरर देख के उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, कम करते हैं या ज्यादा करते हैं। क्योंकि हमारे पास लेबल डेटा है, मतलब वाई नोन है हमारा, वाई की वैल्यू पता है, इसलिए हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं ना इसको। mx plus c equals to, मान के चलो कि 2 लाख है हमारे पास, 2 लाख फॉर 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ की वैल्यू पता है, मान के चलो कि यहाँ की वैल्यू 0 है और गलती से हमने ये वैल्यू पहले 2 into 1 lakh, 1 lakh के जगह पे हमने 1.5 lakh पे या 1.5 lakh पे इसको सेट किया शुरुआत में, तो वैल्यू क्या आई, 2.5 lakh आई। ये तो वैल्यू गलत है, ये करेगा इससे कंपेयर, एरर्स निकालेगा, 50,000 का एरर्स आ गया इसको, 50,000 का एरर्स, 50K का एरर्स आ गया। अब ये क्या करेगा, फिर से ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा, अब इसको ये रिड्यूस करेगा या बढ़ाएगा इस वैल्यू को, कम करेगा उसको। हाँ, सब सहमत है हम कम करना चाहिए इस वैल्यू को, अगर इस वैल्यू ये वैल्यू चाहिए तो हमें कम करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि कम करना मतलब कितना करना, एल्गोरिथम को तो पता नहीं, कम करना यानी ये स्टेप्स लेना है। अब स्टेप्स अगर जंप करोगे काफी ज्यादा, 1 lakh से मैं जंप करता हूं तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू फिर 1.5 lakh ही आ जाए, तो इसकी साइज ऑप्टिमम होनी चाहिए, या फिर 1000 से कम कर रहा हूँ इसकी प्राइस, इसकी वैल्यू में, तो हो सकता है कि काफी समय लगे इसको डिसेंड होने में। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो हमें एक्चुअली ऑप्टिमम स्टेप्स लेनी है। ऑप्टिमम स्टेप्स मतलब मान के चलो कि ये वैल्यू अगर मैंने 10,000 रखी तो 5 iteration में 1 lakh तक पहुंच जाऊंगा, जो कि ऑप्टिमम वैल्यू है, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू इससे मैच करती है। 5,000 से करूंगा तो 10 बार मुझे इटरेट करना पड़ेगा, अगर 50,000 से करूंगा तो 1 ही बार इटरेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि स्टेप साइज मैंने ऑप्टिमम ले ली, यहाँ पे लर्निंग रेट हमने ही वो ट्यून करना पड़ता है। ट्यून करना मतलब जैसे कि रेडियो, एक रेडियो होता है और रेडियो में एक नॉब होता है, नॉब में फ्रिक्वेंसी सेट करते हो आप, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हो या फिर फटक फटक से आगे बढ़ते हो, इसको घुमाते रहते हो, नहीं थोड़ा थोड़ा करके उसको बढ़ाते जाते हैं, और एक पॉइंट ऐसा होता है कि यहाँ पे हमें सुनाई देता है आवाज इस फ्रिक्वेंसी पे, वैसे ये फ्रिक्वेंसी सेट करना है। ये लर्निंग रेट मतलब ये आप फ्रिक्वेंसी सेट कर रहे हो इसकी, तो ये क्या करेगा फिर धीरे धीरे 5,000 से कम होगा और 10 iteration में ये इसकी वैल्यू बन जाएगी 1 lakh, मतलब ये ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंच गया। 1 lakh into 2 plus 0 equals to 2 lakh। अब इसका एरर आ गया 0, मतलब ये ऑप्टिमम एरर पे आ गया इस केस में। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, इतने सिंपल एग्जांपल होते नहीं है, या 0 पे कभी नहीं आता, इसको मिनिमाइज करना पड़ता है इसे। बट यहाँ पे देखो 1 lakh पे 1 lakh हमारा अब वेट है, वेट हमने प्रॉपर इनिशियलाइज किया, तो यहाँ पे था वेट, वेट की वैल्यू काफी ज्यादा थी तो यहाँ पे आ गई। अब यही एग्जांपल देख लेते हैं। एक्चुअली ये मैंने 50,000 पे मैंने इनिशिएट किया इसको, मल्टीप्लाई बाय 2 plus 0 equals to 1 lakh, 1 lakh आ गया। अब एरर है 1 lakh का, डिफरेंस 1 lakh का है। अब यहाँ से ये शुरू हो रहा है, इस पॉइंट से वेट काफी कम है, राइट, एक्स एक्सिस पे देखो वेट यहाँ पे काफी ज्यादा था पहले, अब यहाँ पे काफी कम पे इनिशिएट किया है मैंने, रैंडम इनिशियलाइजेशन किया है काफी कम पे इस वाले पे, तो हमें वेट अब बढ़ाना पड़ेगा या फिर घटाना पड़ेगा वेट? पचास हजार से वेट एक्चुअली बढ़ाना पड़ेगा ना हमें, राइट, 50,000 है तो अब वेट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम 1 lakh को
ऊपर आएगा, कम से कम 1 लाख इंटू 2 प्लस 0 फिर 2 लाख आ जाएगा। तो हम बढ़ाते 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 जाते, जब हम बढ़ाते हैं तब कॉस्ट भी बढ़ती है फिर कॉस्ट कम होती है, मतलब एरर्स बढ़ते हैं या कम होते हैं ये बताओ। बढ़ेंगे नहीं, कैसे बढ़ेंगे, कम होते जाएंगे ना। जब हम वेट बढ़ाएंगे तब एरर्स तो कम होंगे ना। अब देखो 50,000 से 75,000 मैंने कर दिया, अब ये वाला जीरो की तरफ प्लस जीरो कर दिया तो इसका क्या आता है, 1.5 लाख आता है। 1.5 लाख माइनस 2 लाख कितना आता है, 2 लाख माइनस 1.5 लाख कितना आता है, 50,000। ठीक है, पहले जो एरर्स 1 लाख थे अब 50,000 है, इसका मतलब वेट अब यहाँ से शुरुआत हो रहा है, वेट की शुरुआत यहाँ से, और वेट बढ़ा रहे हैं तो कॉस्ट कम हो रही है ना। देखो ना पैराबोला का एक्सटेंशन भी, राइट। अब ये वाली कॉस्ट है तो कॉस्ट तो कम हो गई, पहली तो ये थी। तो यहाँ से अगर वेट बाय मिस्टेक अगर वेट ज्यादा हो गया तो उसको कम करना पड़ेगा। जब हम वेट कम करेंगे तब कॉस्ट भी कम होगी। अगर मान के चलो कि वेट इस तरह से इनिशियलाइज हो गया हमारा, 50,000 पहले था वेट और यहाँ यहाँ था वेट, एक्चुअली एरर सब काफी ज्यादा है इस साइड में। अब जब हम वेट को बढ़ाएंगे तब कॉस्ट कम होगी, तो इसलिए ये इक्वेशन ऐसा है, ये पैराबोला का इक्वेशन है, कॉस्ट वर्सेस वेट। अब मैं यहाँ पे रुकता हूँ, ठीक है। अब नहीं रुकता मतलब एक 2 मिनट के लिए। ये सबको समझ में आ गया या फिर किसी को कंफ्यूजन है अभी बताओ, क्योंकि ये बेस्ड है मशीन लर्निंग का। मैं हर किसी को पूछूंगा अब, ठीक है। अजय, आलोक, आ गए, आ गया। विवेकानंद, सुशांत, यस सर, समझ में आ गया, यस सर। मोनिका, आशा, स्वप्निल, सेशन लगा के गायब, स्वप्निल, वेद, समझ में आ गया आपको, यस सर, आगे। ठीक है, फिर हम अब आगे बढ़ेंगे। देखो अब यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे टू फाइंड द लोकल मिनिमम ऑफ अ फंक्शन, तो ये पैराबोला का एक फंक्शन है, उसकी मिनिमम फाइंड आउट करना इस एल्गोरिदम का काम है। ग्रेडियंट डिसेंट, स्लोप, स्लोप डिसेंट, डिसेंट मतलब ये स्लोप से हम नीचे नीचे आ रहे हैं, बस ग्रेडियंट डिसेंट। इस ये जो फंक्शन है पैराबोला का, उसका काम क्या है, लोकल फाइंड आउट करना, कोई भी एक फंक्शन की लोकल मिनिमम फाइंड आउट करना, सॉरी इस पैराबोला फंक्शन की लोकल मिनिमम फाइंड आउट करना। यू मस्ट टेक स्टेप्स प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट, मूविंग अवे फ्रॉम द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन एट द करंट पॉइंट। If we take steps proportion to the positive of the gradient, we will approach a local maximum of the function, and the procedure is called gradient ascent. Gradient ascent, gradient descent से उल्टा procedure है। मतलब अगर यहाँ से शुरुआत की तो gradient ascent क्या बोलता है, यहाँ जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर ऊपर, कितना भी ऊपर जाओ, actually ये equation खत्म नहीं होता, कितना भी ऊपर जा सकते हैं हम parabola में, बट हमें नीचे आना है। द गोल ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम इज टू मिनिमाइज अ गिवन फंक्शन, मिनिमाइज अ गिवन फंक्शन। उस फंक्शन को हम कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसको इस कॉस्ट को रिड्यूस करना है, कॉस्ट फंक्शन, क्योंकि गलत आंसर जब मिलते हैं तब हमारी कॉस्ट बढ़ती है। अगर तो हम बोलते हैं ना कभी कभी, अरे काफी महंगा पड़ेगा वो, तो वहां जाना महंगा पड़ेगा, मतलब
लिटरली महंगा पड़ता है क्या? नहीं, मतलब वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वहां नहीं जा सकते। तो ऐसे ही यहाँ पे वो बोला गया है कि कॉस्ट, कॉस्ट मतलब एरर्स, हम एरर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अरे हम मैं तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता कॉस्ट को, इस कॉस्ट को, इस एरर्स को, इसलिए उसको हम कॉस्ट फंक्शन बोलेंगे। टू अचीव दिस गोल इट परफॉर्म्स टू स्टेप्स इटरेटिवली। क्या है पहली स्टेप्स? कंप्यूट द ग्रेडियंट। पहले तो क्या करो आप, स्लोप कैलकुलेट करो। अब इंटरनली ये कैलकुलेट कैसे हो रहा है, तो स्लोप कैलकुलेट करना है। द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। स्लोप, स्लोप कैसे फाइंड आउट होता है? स्लोप डेरिवेटिव से फाइंड आउट होता है, ठीक है। अब एक मिनट ठीक है, क्या क्या बोल रहे थे हमें? हाँ, कंप्यूट द स्लोप डेरिवेटिव। कंप्यूट द स्लोप। अब स्लोप कैसे कैलकुलेट होता है, डेरिवेटिव या फिर स्लोप? अब मान के चलो कि शुरुआत यहाँ से हो रही है, रैंडम इनिशियलाइज किया हमने कॉस्ट का, एम एक्स प्लस टी में एम का कोई भी एक रैंडम उठाया वैल्यू और शुरू किया हमने, तो मान के चलो कि ये वाला पॉइंट मिल गया। तो पहले कैलकुलेट क्या होता है, इसका स्लोप कैलकुलेट होता है। ये वाला एक टेंजेंट हम डालते हैं इसके, इस पॉइंट में, और ये टेंजेंट, एग्जैक्ट टेंजेंट नहीं पड़ी बट इमेजिन करो कि ये टेंजेंट है। अब टेंजेंट कोई भी एक टेंजेंट है ऐसे, तो स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये वाला, ये होता है dx और ये होता है dy, इसको बोलते हैं हम स्लोप। ये स्लोप कैलकुलेट करना मतलब कि dx डिवाइडेड बाय, सॉरी dy बाय dx कैलकुलेट करना, dy बाय dx कैलकुलेट करना। इसका मतलब क्या है, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि जब मेरा यक्स, ये यक्स एक्सिस है राइट, और ये वाई एक्सिस है, जब हमारा यक्स एक यूनिट से आगे बढ़ रहा है तब वाई कितने यूनिट से आगे बढ़ रहा है, तो वाई की वैल्यू क्या है? जब एक्स की वैल्यू वन यूनिट है तब वाई की वैल्यू क्या है? अगर ये यहां से यहां आ गया तो यहां आने के बाद वाई की वैल्यू क्या है? एक्चुअली यहां से यहां मतलब ये वाली वैल्यू dy by dy by dx, मतलब ये वैल्यू अब y की जो आई है, ये अगर 1 यूनिट से आगे बढ़ रहा है, ये अगर यहाँ था पहले, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है, तो यहाँ तक बढ़ा है राइट, तो ये वाली वैल्यू, पहले y की वैल्यू ये थी अब ये बन गई है, x की वैल्यू ये थी अब ये बन गई है, तो dy by dx कैलकुलेट करना मतलब अब y की वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या है, ये बता, स्लोप कैलकुलेट करना मतलब। व्हेन वी चेंज डेरिवेटिव, क्या होता है डेरिवेटिव? इज नथिंग बट व्हेन वी चेंज एक्स बाय वन यूनिट, हाउ मच वाई विल गेट चेंज, वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स अगर एक यूनिट से बढ़ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई, ये कैलकुलेट करना इज नथिंग बट आवर डेरिवेटिव। और इंटीग्रेशन क्या है, एरिया अंडर द कर्व, ये कैलकुलेट करते हैं वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए डेरिवेटिव आया है यहाँ पे, तो ये देखो ये ग्रेडियंट है हमारा, ये टेंजेंट हमने डाली है और टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं। टेंजेंट का स्लोप कैसे कैलकुलेट होता है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं, मेरे पास एक इक्वेशन है 2x, अब मुझे इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है dy by dx विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बताओ मुझे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, 2 होगा, 2 सिर्फ 2,
अब मेरे पास और एक इक्वेशन है, 2x square plus 3 है मेरे पास इक्वेशन। अब इसका विथ रिस्पेक्ट टू dy by dx मुझे बताओ कि ये क्या कैलकुलेट होगा। 4x। बाकी लोग, आशा, मोनिका, वेद, मुझे नहीं आया समझ। 7x। कांस्टेंट का जीरो आता है, कांस्टेंट का जीरो आता है, और इसका क्या आता है, 2 into 2 4x आएगा, राइट, dy by dx 4x आएगा। ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव आपने 11 12 स्टैंडर्ड में जो पढ़ा है वो डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव एक बेसिक डेरिवेटिव क्या होता है अगर देख लो, देखना है तो, नहीं देखना है तो छोड़ो, एक ज्यादा काम का है नहीं हमारे, बट डेरिवेटिव क्या होता है ये आपको पता है। अब डेरिवेटिव एग्जैक्टली क्या होता है, तो यहां पे आने के बाद ये हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर मतलब, अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ मुझे क्या होता है, किसी को पता है तो, कौन सा इसका 4x का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आता है, 4 आता है सिर्फ, मतलब इसका और एक बार कैलकुलेट करने के बाद ये सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं हम इसको, सेकंड डेरिवेटिव। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ, मतलब पहली बार कैलकुलेट कर रहे हैं हम डेरिवेटिव, उसका भी डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे उसको। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले तो ये कैलकुलेट करता है, कंप्यूट द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कैलकुलेट करता है, इसका मतलब वो डेरिवेटिव कैलकुलेट करता है। मेक अ स्टेप इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ग्रेडियंट, opposite direction of the slope increases from the current point by alpha times the gradient at that point, make a step, मतलब अब क्या करो, step ले लो, नीचे जाओ, अब फिर से calculate करो, क्या calculate करो, slope calculate करो। तो मुझे एक बताओ, जैसे हम यहां से यहां नीचे 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 आ रहे हैं तो स्लोप बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, कम होता जा रहा है, लाइन फ्लैट हो रही है ना। एक्चुअली स्लोप जो है, स्लोप कम हो रहा है, स्लोप मतलब उतार, अगर ऐसे 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 है तो यहाँ पे उतार सबसे ज्यादा है, यहाँ पे उतार कम है, यहाँ पे तो कम है, और यहाँ पे आने के बाद तो टेबल लैंड लगी है, अब तो उतार है ही नहीं, स्लोप है ही नहीं, स्लोप है ही नहीं का मतलब ये ऐसे टेंजेंट बढ़ेगी, अब तो यहाँ पे तो स्लोप ही नहीं है, तो ये जो स्लोप लगता है हमारे लाइन, ये वाला स्लोप, तो ये वाला स्लोप तो जीरो हो गया। देखो जब स्लोप जीरो मतलब क्या, कि अगर अब x बढ़ भी रहा है 1 यूनिट से तो y कितने यूनिट से बढ़ रहा है, अब ये बताओ मुझे, जीरो, y कांस्टेंट रहा है, y एक्चुअली बढ़ ही नहीं रहा है, तो इसका स्लोप क्या है फिर, जीरो है, बढ़ ही नहीं रहा है, अब खत्म, राइट, मतलब कि क्या, यहाँ सबसे ज्यादा स्लोप था, ये वाला स्लोप सबसे ज्यादा होता है ऐसे, अब ये कम 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 हो रहा है, यहाँ पे टेंजेंट अगर मैं डालूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल डालूंगा मैं, और हॉरिजॉन्टल डालने के बाद यहाँ पे स्लोप जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो होता है इसका मतलब हमें ऑप्टिमम हमारे पॉइंट पे आ गए हम, स्लोप स्लोप जीरो करना मतलब फाइनल डेरिवेटिव जो होता है उसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि स्लोप जीरो हो गया। तो इंटरनली जो कैलकुलेट हो रहा है लीनियर अलजेब्रा की मदद से, ये डेरिवेटिव इंटरनली कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे हर बार, और ये जीरो करना हमारा काम है, स्लोप जीरो करना, यहाँ पे आने के बाद वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर एक सब बढ़ेगा तो वाई बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है, ये y तो कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे ये यहाँ पे टेंजेंट है, अगर मैं
और यहाँ पे देखो अब ये x है ये y है, अब x बढ़ भी रहा है इस टेंजेंट के ऊपर, यहाँ पे टेंजेंट एक बार डाल दी तो x बढ़ रहा है या कम हो रहा है, फिर भी y की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, y नहीं बढ़ रहा है, मतलब स्लोप जीरो आ गया, मेरा डेरिवेटिव जीरो आ गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो आ गया। इसका मतलब हमें जहाँ जहाँ पहुँचना चाहिए था हम वहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है तो इसकी वैल्यू, x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है। देखो इस लाइन पे अगर यही लाइन मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब x की वैल्यू इतनी थी, अब यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ गई है x वैल्यू, तो y की वैल्यू भी बढ़ गई है। अगर यहाँ पे था, अगर यहाँ पे है हम, x की वैल्यू इतनी है तो y की वैल्यू इतनी थी, x की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई है तो y की वैल्यू भी बढ़ गई है, x की वैल्यू अब यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा दी है हमने तो y की वैल्यू भी बढ़ गई है, तो ये वाली वैल्यू बढ़ रही है। एक्चुअली यहाँ पे डेरिवेटिव काफ़ी ज़्यादा आ रहा है तो हम धीरे 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 कम करके यहाँ तक आते हैं। बेसिकली यहाँ पहुँचना, डेरिवेटिव जीरो करना हमारा काम। तो हम क्या कर रहे हैं, मेक अ स्टेप ले रहे हैं, अब यहाँ से यहाँ तक आना, यहाँ से यहाँ आना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फाइनली यहाँ पे जब हम इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट का मतलब ये होता है कि इस पैराबोला में एक ही पॉइंट पे वो कट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है तो यहाँ पे एक टेंजेंट डाली है तो इसी पॉइंट से वो जा रही है, बाकी कोई पॉइंट वो टच नहीं कर रही है, इसका मतलब होता है टेंजेंट डालना, राइट। यहाँ पे जब हम टेंजेंट डालते हैं तो कम्प्लीटली वो हॉरिजॉन्टल आती है, और जब हॉरिजॉन्टल आती है तब कॉस्ट अब बढ़ती भी नहीं घटती भी नहीं, कॉन्स्टेंट रहती है यहाँ पे आने के बाद। अब फिर हमें वेट मिलता है, ऑप्टिमम कॉस्ट मिलती है, और ये हम फाइनलाइज करते हैं। मेक अ स्टेप इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ग्रेडियंट, अपोजिट मतलब ग्रेडियंट हमारा ऊपर जा रहा है यहाँ से ऐसे, तो हमें नीचे आना है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है मेक अ मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ये जो ग्रेडियंट का डायरेक्शन है, टेंजेंट का डायरेक्शन है, ग्रेडियंट या टेंजेंट अल्टरनेटिवली यूज करो शब्द, तो अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेडियंट ऊपर जा रहा है तो हमें नीचे आना है। नीचे नीचे हमें पता भी होता है, अगर आग भी बंद की है हमने तो उतार कहाँ पे है वो हमें पता होता लगता है। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्लोप इंक्रीजेस द करंट पॉइंट बाय अल्फा टाइम्स द ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। अल्फा टाइम्स मतलब ये जो वैल्यू है, ये लर्निंग रेट है, उसी को हम अल्फा बोलेंगे। अब ये जो आप जंप कर रहे हो या फिर धीरे धीरे चल रहे हो, स्टेप साइज जो है आपकी, स्टेप साइज को हम बोलेंगे अल्फा, अल्फा की को बोलेंगे हम लर्निंग रेट। एक पैरामीटर है, नॉब है, एक रेडियो के ऊपर का एक नॉब है, उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं ऑप्टिम। इट डिसाइड्स द लेंथ ऑफ द स्टेप्स। ये अल्फा क्या कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है कि आपकी स्टेप्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए। बहुत ही लंबी लेंथ है तो शायद हो सकता है ये पॉइंट मिस कर जाए आप, यहाँ पे आने के बाद सीधा यहाँ पे जंप अगर आप करोगे तो ये पॉइंट तो मिस हो जाएगा, तो इसलिए लेंथ ऑफ द स्टेप्स शुड बी ऑप्टिमम, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, इसलिए हम ऑप्टिमम शब्द यूज करते हैं उसके लिए। मैं बहुत कम बोल रहा हूँ क्या, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ क्या, नहीं, ऑप्टिमम जितना लगता है उतना। अब इसके लिए और एक एग्जांपल समझ लेते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन डिफरेंट वे। ऐसे अब मान के चलो कि मेरे पास एक बकेट है, ये जो पेपर आप मरोड़ रहे हो उसको, और आपका आप कोई काम दिया है इस डस्टबिन में उस पेपर को डालना है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, 30% अपनी स्ट्रेंथ को लगा रहे हैं उसको, उस बास्केट में एक बॉल डालना है मुझे, पेपर बॉल, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 30% मेरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अगर 30%
स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता हूं तो ये जो बॉल है मेरे हाथ में वो यहाँ पे गिर जाएगी, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगी वो। बट एक्चुअली जब मैं डालता हूँ 30% से तब यहीं पे गिर गई, यहाँ पे पहुंची नहीं, यहीं पे गिर गई पहले अटेम्प्ट में, यहाँ पे गिर गई। अब आपको ये पता चल गया है कि थोड़ा सा फोर्स दे ज्यादा लगाना पड़ेगा, 30% सफिशियंट नहीं था, वो 50% अब मैं बोलता हूँ कि मुझे वो लगाना पड़ेगा 50%। अब ये जो 30% वाला है तो 30 ये यहाँ पे आगे पहले तो यहाँ पे गिर गई थी वो, जब मैंने मेरी स्ट्रेंथ का 30% सिर्फ इस्तेमाल किया था तब वो बॉल यहाँ पे गिर गई। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कैलकुलेशन है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम एरर बोलेंगे। ये तो एरर हो गया, यहाँ पे नहीं गिरी, यहाँ पे गिर गई, तो कॉस्ट हो गया, ये तो हमारे लिए कॉस्ट है, एरर है। अब मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली 50% से डालता हूँ मैं, 50% बढ़ाता हूँ मैं उस फोर्स को, 50% डालने की कोशिश करता हूँ। तो ये गिर गया यहाँ पे, इसलिए ज्यादा हो गया फोर्स, मैंने शुरुआत में 30 लगाया तो यहाँ पे गिर गया, फिर बाद में 50 लगाया तो यहाँ पे गिर गया। अब मुझे ये पता चल गया है कि ये दोनों भी काम नहीं कर रहे, 30% भी और 50% भी, तो हो सकता है कि थोड़ा सा कम लगाना पड़ेगा, काफी बहुत कम नहीं बट थोड़ा सा कम। तो मैं ये डिसाइड करता हूँ कि 45% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूंगा मेरे, और फिर मैं डाल दूंगा बॉल इस बकेट में। तो सिमिलरली आवर ग्रेडियंट डिस्टेंट एल्गोरिथम वर्क्स, राइट। ये भी एल्गोरिथम भी इसी टाइप वर्क करता है, पहले तो कोई भी एक रैंडम वैल्यू से हम डालते हैं, फिर हमें लगता है कि अरे मिस हो गया टारगेट, तो हम फिर डिसेंड करना शुरू करते हैं थोड़े थोड़े, वो लर्निंग रेट है हमारा लर्निंग रेट मतलब स्टेप साइज काफी ज्यादा ली मैंने तो ये एक्चुअली मिस हो गया टारगेट, तो मुझे वो स्टेप साइज कम करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि जब मैं 30 पे था, 30 से डायरेक्ट 50 करने जब मैंने किया एक्चुअली तब यहाँ पे आ गया। तो मुझे ऑप्टिमम लर्निंग रेट कितना रखना चाहिए, क्या लगता है आपको? मैंने शुरुआत 30 से की है, राइट, 50 भी ज्यादा हो रहा है, तो 20% मैंने स्टेप साइज ली थी पहले, 20% मतलब 30% से डायरेक्टली 50% जंप करना, यानी 20% बढ़ाना। तो मैं कितने से बढ़ा सकता हूँ, ऑप्टिमम क्या होना चाहिए स्टेप साइज लर्निंग रेट? 5% से। हाँ, वेरी गुड, 5% होना चाहिए। 5 से बढ़ाओगे 30 से 35 होगा, 35 से 40 होगा, 40 से 45 होगा और मैच होगा। अब मैच हो रहा है, अब मैं 10 से बढ़ाता हूँ तो 30 से 40 होगा, 40 से 50 होगा वो। और अगर 1% से बढ़ाता हूँ 30 से 31, 32, 34, 35, तो सिर्फ समय ज्यादा लगेगा, बाकी कुछ नहीं होगा उससे भी, वो भी काम करेगा 2-3% या 1% भी शायद हो सकता है काम कर सके, मतलब काम करे वो चीज भी, बट उसको समय लगेगा, बाकी कुछ नहीं, वो भी आप कर सकते। तो हमारा एल्गोरिथम कुछ ज्यादा समय के लिए रन होगा, बस इतना ड्रॉबैक होगा, इसलिए उस स्टेप साइज को ऑप्टिमम करना है। अब यहाँ पे देखो कि ग्रेडियंट डिसेंट अब रियल लाइफ मशीन लर्निंग के सिनेरियो में कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे देखो, रैंडम इनिशियलाइज किया था पहले, तो हमने सोचा कि 30% जो मैं स्ट्रेंथ लगा रहा हूँ वो शायद काम कर सके, रैंडम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं उसको, कोई भी एक नंबर चूज किया और मैंने डाल दिया बस। फिर जनरेटिंग प्रेडिक्शंस, मतलब प्रेडिक्शंस तो आप जनरेट कर रहे हैं हम, तभी तो एरर कैलकुलेट कर पाएंगे। प्रेडिक्शन मतलब हम फिर जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था, राइट, कि हम यहाँ पे जनरेट प्रेडिक्शन मतलब अब प्रेडिक्शन आ गया 1,00,000, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2+0 फॉर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, वी रैंडमली इनिशिएट द वेट एज 50,000 एंड वी गॉट द वैल्यू और वी गॉट द प्रेडिक्शन एज 1,00,000। इसी को बोलेंगे हम वाई हैट और प्रेडिक्टेड वैल्यू बाय आवर मशीन लर्निंग मॉडल। तो ये वैल्यू को हमने प्रेडिक्ट किया है 1,00,000 को,
ये प्रेडिक्शंस मिले हैं, तो प्रेडिक्शंस वर्सेस एक्चुअल जब हमने देखा तब हमने लगा कि 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 2 साल के एक्सपीरियंस के लिए 2 लाख सैलरी होनी चाहिए, बट हमारे मॉडल ने 1 लाख बताया। तो यहाँ पे वही लिखा है, जनरेटिंग प्रेडिक्शंस, पहले तो प्रेडिक्शंस जनरेट किया हमने, फिर बाद में कैलकुलेट कॉस्ट, कॉस्ट एरर्स कैलकुलेट किया हमने, तो 1 लाख एरर आ गया। फिर अपडेट पैरामीटर्स, तो ये चीज कंटिन्यू होती रहती है, अपडेट पैरामीटर्स अगेन जनरेटिंग प्रेडिक्शंस, अगेन कैलकुलेटिंग कॉस्ट, अगेन अपडेटिंग पैरामीटर्स, अगेन जनरेटिंग प्रेडिक्शंस, तब तक जब तक हमें ऑप्टिमम वैल्यू नहीं मिलती। लूप चलता रहेगा बैकएंड में, एक बार रैंडम इनिशियलाइज किया तो ये, इसकी भी अलग अलग प्रकार है, रैंडम इनिशियलाइजेशन है, जीरो इनिशियलाइजेशन है, हे इनिशियलाइजेशन है, गोराट इनिशियलाइजेशन है, काफी इनिशियलाइजेशन के अलग अलग प्रकार है, हम वो डीप लर्निंग में देखने वाले हैं। अभी के लिए रैंडम इनिशियलाइजेशन, फॉर मशीन लर्निंग वी आर जस्ट रैंडमली इनिशियलाइज आवर वेट्स, mx plus c का m randomly initialize करना। For a given problem statement, the solution starts with random initialization. These initial parameters are then used to generate the predictions. That is the output. Prediction मतलब क्या? Model ने हमारे का output दे दिया। Once we have the predicted values, we can calculate the error or the cost. How far the predicted values from the actual target? In the next step, we update the parameters accordingly and again made the predictions with updated parameters. Same likha hai yahan pe. And this process will go iteratively until we reach the optimum solution with minimum cost or error. ठीक है, लॉस, कॉस्ट, कॉस्ट बोलते हैं या फिर एरर बोलते हैं उसको, ये मिनिमाइज करना इस एल्गोरिथम का टास्क है। अभी कैसे करता है उतना तो हमने अभी देखा भी नहीं, ठीक है, अब हम देखेंगे कि ग्रेडियंट डिसेंट होता कैसे, ये कैलकुलेट एग्जैक्टली कैसे होता है। ग्रेडियंट डिसेंट क्या है? इट्स अ ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम, ये ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है। That works iteratively to find the model parameters with minimum cost or error values. If we go through a formal definition of gradient descent, अगर हमने formal definition देखी तो gradient descent, अगर किसी ने पूछा आपको interview में तो ये definition बतानी है उसको, रट्टा मारो इस definition को। Gradient descent is an algorithm, optimization algorithm that works iteratively to find out the model parameters with minimum cost value. Model parameters क्या है? Actually model के parameters दो है, ये constant और दूसरा weight. तो ये optimum parameters find out करना इसका काम है। mx plus c, m और c को optimum level पे लेके जाना उसका काम है। तो इसलिए मॉडल पैरामीटर्स बोलते हैं उसको, पैरामीटर्स, एम, सी, ये पैरामीटर्स है, उसके लिए एक अम्ब्रेला टर्म यूज किया उन्होंने, पैरामीटर्स, वेट्स और बायसेस को, या फिर कोएफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू को पैरामीटर्स बोलते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट इज अ फर्स्ट ऑर्डर इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। फर्स्ट ऑर्डर क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करते हैं, मतलब नॉर्मल डेरिवेटिव, कुछ नहीं बाकी। Algorithm to find out a local minimum of a differentiable function. जो differentiable function, differentiable मतलब जिसका derivative हम निकाल सकते हैं, वो function एक ही है, हम एक ही use करते हैं, ये वाला function, इसको हम parabola बोलते हैं, यहाँ पे एक ही use करते हैं।
डिफरेंशिएबल फंक्शंस काफी है, बट हम इस केस में सिर्फ और सिर्फ पैराबोला यूज करेंगे। नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस भी कुछ होते हैं एक्चुअली, बाद में हम देखेंगे इतना डिटेल, अभी आज के लेक्चर में नहीं देखेंगे, बट अभी के लिए इतना समझो सर जो अभी तक मैंने पढ़ाया और ये वाला अब इम्प्लीमेंटेशन। अब एक लाइन का इक्वेशन है, मान के चलो y prediction equals to beta naught plus beta 1 x, मतलब ये अब अगर मैंने मशीन लर्निंग के लैंग्वेज में अगर मैं बोलना चाहूंगा इसको, तो y prediction equal to बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन ऐसे बोलते हैं, मतलब ये क्या है, सी है यम एक्स, सेम है, सेम इक्वेशन को हम अलग अलग वे में अब आगे जाके लिखेंगे, मशीन लर्निंग में ये यूज करेंगे अब हम इक्वेशन, अब मैं ये नहीं पढ़ाने वाला आपको कभी भी, ठीक है, जब मैं ये बोलता हूं तब इससे ही रिलेट करो आप अगर करना है तो, अब मैं आगे जाके एम एक्स प्लस सी नहीं बोलूंगा, अब मैं बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री अप टू बीटा एन एक्स एन, ये इक्वेशन है हमारे लीनियर रिग्रेशन का। अब ये क्या है क्या नहीं है आगे जाके देखेंगे, बट ये एक मॉडल है, लीनियर रिग्रेशन एक मॉडल है सुपरवाइज, उसका एक इक्वेशन है ये, इसी को मॉडिफाई किया है देखो हमने, क्योंकि एक्चुअली ईयर ऑफ एक्सपीरियंस सिर्फ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वर्सेस सैलरी नहीं होती है, आपके सैलरी मैटर किस चीज से करती है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है ही, प्लस आपका कॉलेज कहाँ, टीयर वन हो टीयर टू हो, स्किल्स आपकी कौन सी स्किल्स है, एडवांस है या फिर वही पुरानी स्किल्स है, राइट, कितनी पुरानी स्किल्स है आप में, नहीं है क्या, इसके ऊपर डिपेंड होता है वो सैलरी आपका रियल लाइफ में। तो रियल लाइफ में एक एक्स नहीं होता है, मल्टीपल एक्स होते हैं, तो ये एक एक्स है, एक्स वन है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस राइट, एक्स टू क्या है आपका कॉलेज है, एक्स थ्री क्या है आपके स्किल्स है, तो वैसे ही एक्स तो काफी है, बीटा नॉट एक ही है, मतलब सी एक ही होता है, इसको हम बायस टर्म बोलते हैं, इसको हम वेट्स बोलेंगे या फिर कोएफिशिएंट्स बोलेंगे, भी काफी चीज के ऊपर डिपेंडेंट होती है, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, मल्टीपल कॉलम्स एक्सेल शीट के मल्टीपल कॉलम्स हमारे पास है, हमें कैलकुलेट करना है ये सैलरी को, ये हमारा वाई वेरिएबल है, ये हमारे एक्स वेरिएबल है, सारे एक्स वेरिएबल्स है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्सएस बोलता हूँ मैं, ये एक्स वेरिएबल है, ये वाई वेरिएबल है, और वाई हैट मतलब ये प्रेडिक्टेड है, प्रेडिक्शंस है, हमारा मॉडल क्या बता रहा है, ठीक है, एक्चुअल में तो ये है, एक्चुअल y एक्चुअल बोलते हैं इसको, y प्रेडिक्टेड इसको बोलते हैं, तो y हैट बोलते हैं उसको, इसको y बोलते हैं, तो ये y है, तो ये इक्वेशन है बीटा नॉट प्लस बीटा वन x, इन दिस इक्वेशन y प्रेड रिप्रेजेंट द मॉडल आउटपुट, बीटा नॉट इज इंटरसेप्ट and b1 is the slope where x is the input value, b1 क्या है, slope है, ये पता है आपको, अब slope derivative calculate करना है या फिर जो भी है, slope है ये b1, ये slope की value है, या फिर coefficient है ये, for a linear model we have a convex cost function, convex ये कॉन्वेक्स है, राइट, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स कॉस्ट फंक्शन है हमारे पास, पैराबोला वैल्यू ऑफ बीटा वर्सेस कॉस्ट, ये जो फंक्शन होता है ये वैल्यू ऑफ बीटा वर्सेस कॉस्ट का फंक्शन होता है, तो वैल्यू ऑफ बीटा वैल्यू ऑफ दिस बीटा वन कोएफिशिएंट की है वैल्यू वर्सेस कॉस्ट की वैल्यू, कोएफिशिएंट की वैल्यू ऑफ बीटा क्या है, कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट वर्सेस कॉस्ट,
यहाँ पे हमने देखा भी था वेट वर्सेस कॉस्ट या कोएफिशिएंट वर्सेस कॉस्ट, कोई भी एक नाम दे दो, अल्टरनेटिवली सारे नाम याद करने हैं आपको, बीटा अल्फा कॉस्ट, सॉरी यहाँ पे कॉस्ट है, कोएफिशिएंट्स राइट, वेट्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इनिशियली यू कैन स्टार्ट विद रैंडमली सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स बीटा नॉट एंड बीटा वन। बीटा नॉट की भी वैल्यू ऐसी जन रैंडम ले लेते हैं हम, ठीक है, एंड देन वी मेड प्रेडिक्शंस। नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट एरर एंड डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड प्रेडिक्शंस। वही स्टेप दी है जो हमने अभी डिस्कस किया। द प्रेडिक्टेड वैल्यू विद दीज पैरामीटर्स विल लैंड यू एनीवेयर ऑन द ऑन दिस कॉस्ट फंक्शन कर्व। Now the task is to update the value of beta naught plus beta 1, beta naught and beta 1 to minimize the errors coming down on this curve to the lowest point. This process will continue until we reach on the lowest point of the curve, that is minimum cost. Cost minimum honi chahiye, matlab mean squared errors minimum honi chahiye. Sare data points ke upar ke, ek, do ya nahi, teen nahi. जितने भी है उतने सारे उसका एवरेज जो हमने निकाला भी था, ये वाला एवरेज राइट, ये मीन स्क्वायर्ड एरर, ये सारे डेटा पॉइंट्स का एवरेज एक निकाला है क्या हमने? नहीं, एक को लॉस बोलेंगे अगर एक ही निकाला है, ये जो है उसको लॉस बोलेंगे और कलेक्टिवली कॉस्ट बोलेंगे, कलेक्टिवली अगर एरर्स कैलकुलेट किए हमने तो उसको कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो मैथ आज के लिए मैं देख रहा हूं कि ये कवर हो सकता है क्या। पांच मिनट का ब्रेक लेंगे और हम आधे घंटे में इसको भी निपटाएंगे आज ही।
हेलो हेलो हाँ चलो हो गया ब्रेक आगे सारे वापस अच्छा मोनिका सुशांत यस सर अजय हेलो चलो अब हम देखेंगे ग्रेडियंट डिसेंट वर्क कैसे करता है एग्जैक्टली उसका मैथमेटिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है बैकएंड में पहले तो हम ये देखते हैं कि रैंडम इनिशियलाइजेशन एंड हाउ आवर मॉडल इज जनरेटिंग प्रेडिक्शंस तो यहाँ पे जो मॉडल यूज कर रहे हैं हम लीनियर रिग्रेशन है अभी के लिए इतना ही समझो कि एक मॉडल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या है
इट्स नथिंग बट वन इक्वेशन, इक्वेशन एम एक्स प्लस बी। अब आगे से उसी को हम बीटा नॉट प्लस एक्स वन, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन बोलेंगे। टू स्टार्ट विद द बेसलाइन मॉडल इज ऑलवेज द ग्रेट आइडिया। अब रियल लाइफ में भी हम बेसलाइन मॉडल्स, वैनिला मॉडल्स इम्प्लीमेंट करते हैं पहले, और फिर उसके बाद एडवांस मॉडल्स यूज करते हैं। इन आवर बेसलाइन मॉडल वी आर यूजिंग द वैल्यू जीरो फॉर स्लोप ऑफ द लाइन एंड बीटा इज मीन ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। बीटा क्या है हमारे लिए? स्लोप ऑफ द लाइन है, और इंटरसेप्ट मतलब स्मॉल बी या फिर सी। सी क्या है? मीन ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीन ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अभी कैलकुलेट कैसे करते हैं देखेंगे। अब देखो यहाँ पे वाई इक्वल्स टू बीटा एक्स प्लस स्मॉल बी है, बीटा एक्स प्लस बी। पैरामीटर्स, दो पैरामीटर्स है यहाँ पे, पैरामीटर्स मॉडल पैरामीटर्स बोलते हैं हम उसको, दो है बीटा और बी। एक्स तो इनपुट है, बी क्या है? बीटा, सॉरी बीटा क्या है? तो ये जीरो से इनिशियलाइज कर रहे हैं हम, ये बोल रहे हैं जीरो से इनिशियलाइज, जीरो से। और ये बी क्या है? मीन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये जो सारे वेरिएबल्स है एक्सपीरियंस वर्सेस सैलरी में, जितने भी वेरिएबल्स है का मीन, उनका मीन, ये सारे वेरिएबल्स, मतलब कि एक्सपीरियंस अगर 5 है तो सैलरी उसकी कितनी है? 10 लाख है, राइट। यहाँ पे देखो सैलरी, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 25 है तो सैलरी 20 प्लस है। ये सारे वेरिएबल्स है, उन सबका मीन, मीन ऑफ एक्सपीरियंस, मीन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सपीरियंस, डिपेंडेंट वेरिएबल इज सैलरी। व्हाई वी कॉल सैलरी एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल? बिकॉज इट डिपेंडेंट ऑन दिस एक्सपीरियंस। दिस इज कॉल्ड एक्स वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड वाई वेरिएबल। Y is always dependent on X variable. तो इन सब का मीन निकाला आपने, अब हमने चलो कैलकुलेट। देन पहले क्या था? पहले एक्चुअली बीटा की वैल्यू जीरो थी और मीन की वैल्यू एवरेज थी, तो इन सब का एवरेज निकाला हमने, तो ये लाइन आ गई हमारे पास, ये एवरेज लाइन है। यहाँ पे बीटा जीरो ही है, मतलब X भी जीरो हो गया, ये पूरी टर्म जीरो हो गई, तो बीटा की एक वैल्यू मिल गई। जो बीटा की वैल्यू है वो एवरेज ऑफ ऑल दिस डेटा पॉइंट्स, और बीटा क्या है? एक इंटरसेप्ट होता है, तो इंटरसेप्ट मतलब ये जहाँ पे वाई को क्रॉस करता है। अब 20 मान के चलो कि 22 पे उसने क्रॉस किया है, तो 22 के अलोंग ये वाई एक्स एक्सिस को पैरेलल और वाई एक्सिस को कट करते हुए हमने लाइन डाली है, तो ये हो गए हमारे इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कैलकुलेट कैसे किया इन्होंने? इतने सिंपल सिंपल फॉर्मूला से ये इंटरसेप्ट कैलकुलेट किया। इट्स नथिंग बट मीन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आ गया इतना? मीन और बीटा, सॉरी बी और बीटा। अब यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द कॉस्ट वंस वी हैव आवर प्रेडिक्शन, वी कैन यूज इट इन एरर कैलकुलेशन। आवर एरर मैट्रिक इज द मीन स्क्वेयर्ड एरर। अब एरर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रकार के एरर कैलकुलेट करते हैं हम। ये वाली एरर मीन स्क्वेयर्ड एरर जो है, और एक है मीन रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर, आर एम एस ई। एक सेकंड दे दीजिए मुझे।
रूट मीन स्क्वेयर मतलब इसी का रूट निकालो, पहले ये 22 था मान के चलो, अब इसका रूट अगर निकाला, 22 का रूट कितना आता है कोई बताएगा मुझे, कैलकुलेट करो फटाक से। ये आ गया हमारा रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर। वैसे ही अलग अलग काफी अलग अलग आर स्क्वेयर्ड है, एडजस्टेड आर स्क्वेयर है, एमए है मेन एब्सोल्यूट एरर, एमएपी है मेन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, काफी अलग अलग प्रकार है उसके, आगे जाके देखेंगे हम। अभी के लिए मीन स्क्वेयर्ड एरर एक है जो हम यूज कर रहे हैं अभी तक, और यही यूज करेंगे हम, इसको ऑप्टिमाइज करना हमारा काम है, इसको कम करना। पर अगर आप इंट्यूटिवली देखा जाए तो एक्चुअली ये ज्यादा बेहतर है या फिर ये कोई बताएगा मुझे और क्यों? 22.69 है सर, 4.69 है, रूट वाला सही है, 4.69 है, ठीक है 4.69 है। तब अब आपको इंट्यूटिव क्या लगता है ज्यादा, आरएमएससी या फिर एमएससी 22 एरर से? अगर कोई ऐसा बोलता है आपको तब ये ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको, या फिर 4.46 ये नंबर? हाँ राइट, 4.69 सही है, 4.69 ये ज्यादा सही लग रहा है आपको। क्यों लग रहा है सही? एक्चुअली क्योंकि वी आर गेटिंग दी एरर्स in the same units as that of our y value. अगर y value ये weight में है, weight है ना, ये तो difference in weights, तो errors भी same weight में है, और यहाँ पे weight square में है, weight का square में है वो unit, यहाँ पे weight में ही है, तो ये ज़्यादा intuitive लगेगा आपको कि errors, exact errors 4.69 है क्योंकि ये same unit में है, इसी वाली unit में है। राइट, अब हमें लगेगा कि हाँ एरर उतने ज्यादा भी नहीं है अगर इस फिगर को हम देखते हैं, क्योंकि आरएमएससी ऑलवेज गिव अस द रिजल्ट्स इन द सेम यूनिट एज दैट ऑफ आवर वाई वैल्यू, बट अभी के लिए ये समझो कि हमारा टारगेट मीन स्क्वेयर्ड एरर्स कम करना है, रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर्स नहीं, मीन स्क्वेयर्ड एरर्स कम करना है, क्योंकि बैकएंड में उन्होंने उस टाइप कोडिंग की हुई है, वो बैकएंड में ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम क्या रिड्यूस करने की कोशिश करता है, ये मीन स्क्वेयर्ड एरर्स रिड्यूस करने की कोशिश करता है। अगर आप लिखोगे, आप अलग लॉजिक लिखोगे, लिख सकते हो, आप अपना वर्जन क्रिएट कर सकते हो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम का, और आप उसको एज ओपन सोर्स लाइब्रेरी में कम्युनिटी की सेवा भी कर सकते हो, राइट, जो आपको सही लगे, अपनी खुद की लाइब्रेरी भी हम निकाल सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड है तो। चलो बैकएंड में तो ऐसा इंप्लीमेंटेशन किया हुआ है, तो इसलिए ये इंप्लीमेंटेशन हम देखने वाले हैं। अब मीन स्क्वेयर्ड एरर क्या होता है? इट्स एवरेज, एवरेज किसका एवरेज? स्क्वेयर्ड डिफरेंसेस का, स्क्वेयर्ड डिफरेंसेस का एवरेज बिटवीन एस्टिमेटेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, मतलब वाई हैट वर्सेस वाई, या फिर प्रेडिक्शन वर्सेस एक्चुअल वैल्यू, जो भी डिफरेंस है उनका स्क्वेयर निकालो, उसको बोलो मीन स्क्वेयर्ड एरर। और मीन स्क्वेयर्ड एरर कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट कैसे किया जाता है इस कॉस्ट फंक्शन जे को? इट्स अ समेशन ऑफ y hat prediction minus actual, y hat का मतलब prediction, yi hat minus yi whole square divided by number of samples, उसका summation ले लो, सबका summation है ये y minus y hat जो हमने इसमें किया था, ये वाला y minus y hat मतलब 67 minus 67 whole square
डिवाइडेड बाई एन, यही यही तो किया था हमने पहले, तो ये सेम फॉर्मूला है ये कॉस्ट फंक्शन जे फाइंड आउट करने का। और अगर मैंने एक ही डेटा पॉइंट के ऊपर कॉस्ट कैलकुलेट की तो इसका मतलब मैंने कॉस्ट नहीं कैलकुलेट किया, मैंने लॉस कैलकुलेट किया है। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट फंक्शन एंड लॉस फंक्शन। लॉस इज जनरली कैलकुलेटेड ओनली ऑन वन डेटा पॉइंट, वन एक डेटा पॉइंट एक रिकॉर्ड के लिए अगर मैंने कॉस्ट कैलकुलेट की तो उसको लॉस बोलेंगे ना कि कॉस्ट बोलेंगे। कॉस्ट दिस इज द summation of all the square differences between estimated value and actual value, ये है cost और loss में difference। cost function एक ही cost क्या है, cost function एक ही data point के ऊपर हम calculate करते हैं, जैसे कि कहाँ गया यहाँ पे calculate किया, सुशांत के लिए मैंने सिर्फ loss calculate किया, cost calculate किया, इसको हम loss बोलेंगे technical language में। और सारे data points के ऊपर मैंने अगर calculate किया तो उसको cost बोलेंगे, बस इतना डिफरेंस है। अब कैलकुलेटेड, अब देखो कैलकुलेटेड एरर वैल्यू बेसलाइन मॉडल कैन लीड अस एनीवेयर ऑन द कॉस्ट बी कर्व एज शोन इन द बिलो इमेज। अगर कॉस्ट कैलकुलेट किया तो एक तो कॉस्ट हायर साइड में जाएगा, नहीं तो लोअर साइड में जाएगा। हायर साइड में एक्चुअली कॉस्ट तो सेम ही होता है बट वेट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एक तो इस टाइप वेट यहाँ पे आज ज्यादा होंगे या फिर कम होंगे, बट कॉस्ट तो हाई ही है दोनों साइड में, कॉस्ट तो सेम ही है, चाहे आप वेट हाई निकालो या फिर लो निकालो, कॉस्ट सेम क्यों है। अब ऐसा है कि कॉस्ट यहाँ पे भी सेम है, वेट अगर ज्यादा है तो सेम है, वेट अगर कम है तो भी सेम है, इसका मतलब क्या है। अगर सैलरी, अब हमारे पास एक इक्वेशन है सैलरी वाला इक्वेशन, अब सैलरी वाले इक्वेशन में क्या है, अब होना क्या चाहिए था इक्वेशन को, 2 lakhs इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू आवर वाई वैल्यू, बट इसको रैंडमली इनिशियलाइज किया 1 lakh से, 1 lakh इंटू एक्स, एक्स माने दो साल का एक्सपीरियंस, प्लस 0 इक्वल टू इसने दिया सॉरी ये तो आपकी मम हो गया राइट, पहले तो 2 था, ये तो ऑप्टिमम वैल्यू निकाला यहाँ पे तो करेक्ट हो गया ये फॉर्मूला, 2 lakh 2 into x, तो ये एक्चुअली ये है हमारा ओरिजिनल इक्वेशन, इसको भूल जाओ, ये है हमारा मान के चलो ये ऐसा इक्वेशन होना चाहिए ऑप्टिमम इक्वेशन। बट अगर मैं रैंडम इनिशियलाइज 50,000 करता हूँ, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू क्या आएगा, 1 lakh आएगा। और अगर मैं 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 अगर मैंने किया तो ये क्या हो गया, इसका डिफरेंस जो है ये 1 lakh आ गया, 1 lakh आ गया इसका डिफरेंस। अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 ही करना है बट मुझे 3 lakh चाहिए वैल्यू, तो 3 lakh के लिए कितना कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर 1,50,000 भी मैं करता हूँ तो वैल्यू 3 lakh आती है, और 3 lakh और 2 lakh में डिफरेंस कितना है, एक्चुअल है ना, ये तो एक्चुअल सैलरी है उस पर्सन की, बट मैंने एक बार ये इतना वेट रखा, तो मैंने एक बार इतना वेट, वेट मतलब ये वाला कम वाला रखा है, तब भी कॉस्ट सेम है मेरी, तो कॉस्ट कितनी है, 1 lakh है, मतलब कि एरर्स कितना है, 1 lakh एरर आ गया। और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो ये वाला बढ़ रहा है, एक्चुअली वेट यहाँ पे बढ़ रहा है, वेट है ना ये, यहाँ पे वेट बढ़ रहा है बट कॉस्ट सेम है, कॉस्ट यहाँ पे भी कितनी है, 3 lakh माइनस 2 lakh 1 lakh ही है ना, टेक्निकली बोला जाए तो इसका स्क्वायर है, 1 lakh का स्क्वायर है वो, मीन स्क्वायर्ड एरर्स 1 lakh का स्क्वायर है वो। और यहाँ पे भी यहाँ पे माइनस 1 lakh का स्क्वायर है एक्चुअली, अगर बोला जाए तो यहाँ पे प्लस 1 lakh का स्क्वायर, तो आता तो उतना ही है, प्लस का बोलो या फिर माइनस का बोलो, स्क्वायर निकाल रहे हैं हम, इसलिए कॉस्ट तो सेम आएगा, चाहे वेट ज्यादा रखो चाहे वेट कम रखो। राइट,
तो इसलिए कॉस्ट तो सेम आएगी, कहीं कहीं से भी इनिशियलाइज करो। यहाँ पे क्या किया है, एक्चुअली हमने वेट वेट कम पे इनिशियलाइज किया है। तो देखो बी बीटा जो है यहाँ पे बीटा बीटा की वैल्यू बहुत कम है, यहाँ पे कम पे इनिशियलाइज कर रहे हैं हम। तो एक्चुअली यहाँ कॉस्ट ज्यादा है, तो कॉस्ट कम करने के लिए हम ट्राई करेंगे हम, और ट्राई करते करते यहाँ तक पहुंचेंगे। फिर कॉस्ट आपको कम करनी है तो बीटा की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, अगर यहाँ से इनिशियलाइज किया है आपने। तो अगर यहाँ से वेट इनिशियलाइज किया है इस साइड से, तो आपको वेट की साइज कम करनी पड़ेगी, तब आप कॉस्ट की साइज कॉस्ट भी कम कर पाओगे। अगर इधर से हुआ है तो बढ़ाना पड़ेगा पैरामीटर्स, यहाँ से किया है तो कम करना पड़ेगा आपका कोएफिशिएंट, आपका बीटा की वैल्यू, राइट, तब आपको ऑप्टिमम कॉस्ट मिलेगी। और धीरे 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 आप क्या करोगे, ये स्लोप स्लोप जब जीरो हो जाएगा तब आप बोलोगे कि वी अचीव द ग्लोबल मिनिमा और द लोकल मिनिमा। लोकल ये इस केस में तो लोकल मिनिमा, लोकल और ग्लोबल सेम है। क्या होते हैं लोकल और ग्लोबल मिनिमा वो हम आगे जाके देखेंगे, अभी के लिए ग्लोबल बोलो या लोकल बोलो। लोकल ग्लोबल और लोकल में क्या डिफरेंस होता है क्विकली मैं समझाता हूँ, आज के लेक्चर के स्कोप के बाहर का है, ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा उसको समझा दूँ। अब कुछ कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, एग्जैक्टली पैराबोला नहीं मिलता हमें, इस टाइप मिलता है। तो ये लोकल मिनिमा है, ये ग्लोबल मिनिमा है। ग्लोबल मतलब ग्लोबली वो मिनिमम पॉइंट है, ये लोकली है सिर्फ यहाँ का मिनिमम पॉइंट। तो अब जनरली मशीन लर्निंग में तो हम ऐसे ही सिंपल सिंपल मॉडल्स बनाते हैं, तो उनका जो कॉस्ट फंक्शन है वो सिंपल पैराबोला होता है, कर्वेक्स कॉनकेव और क्या होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स होता है, राइट, ये सिंपल होता है। तो उसकी ग्लोबल और लोकल मिनिमा एक ही होती है, मिनिमम पॉइंट तो एक ही होता है, इस यहां तक पहुंचना आपका टारगेट है। यहाँ पे हम इटरेटिवली देखते हैं, वंस वी हैव द पार्शियल डेरिवेटिव जी, तो हम वी कैन अपडेट द वैल्यू ऑफ बी बीटा एज एज दिस, बीटा इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा इनटू डेरिवेटिव ऑफ बीटा, डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म अल्फा, लर्निंग रेट, स्टेप साइज से हम कम कर रहे हैं। इसका मतलब ओवरऑल प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग पैरामीटर्स कैसी होती है, तो ये अगर कैलकुलेट करना है आपको डेरिवेटिव, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, डेरिवेटिव ऑफ जे डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ बीटा, मतलब डीवाई बाय डीएक्स, डीवाई बाय डीएक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये समेशन पूरा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, टू इंटू आई इक्वल्स टू वन टू एन बीटा नॉट प्लस बीटा इंटू एक्स आई प्लस बी माइनस वाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एन, ये फिर से यही इक्वेशन आपको मिलता है अगर आप वो सिंपली सॉल्व करोगे, तो बीटा इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा इंटू जी जी बीटा। अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस इज द लर्निंग रेट, द लर्निंग रेट इज द हाइपर पैरामीटर दैट डिसाइड द कोर्स एंड स्पीड ऑफ द लर्निंग ऑफ आवर मॉडल, कितनी फास्ट या कितना स्लो आप जा रहे हो। अगर बहुत ही फास्ट गए आप तो ऐसे होता है, यहाँ से यहाँ जंप करेगा, यहाँ से यहाँ जंप करेगा, यहाँ से फिर यहाँ जंप करेगा। अगर बहुत ही हाई तो ये रैंडमली, एक्चुअली यहाँ पे वेट ज्यादा है यहाँ पे कम हो जाएगा, फिर से वेट बढ़ेगा एक्चुअली, क्योंकि अब इसको ये रैंडमली जंप कर रहा है, बहुत हाई लर्निंग रेट दिया है आपने, अल्फा की वैल्यू बहुत हाई सेट की है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और अगर बहुत ही स्मॉल सेट किया तो द मॉडल विल टेक टू मच टाइम टू रीच द मिनिमम कॉस्ट, इसको बहुत टाइम लगेगा नीचे जाने में, यहां तक पहुंचने में, तो इट शुड बी ऑप्टिमम। अब ग्रेडियंट
इसी को हम एक्चुअली ये एक, मुझे पता है कि आपको ये ज्यादा समझ में नहीं आया होगा ये इक्वेशन, अब इसलिए मैंने क्या किया है इस नोट्स में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हमने दिया हुआ है उसका। देखो ग्रेडियंट डिसेंट, अब पहले तो थ्योरी पढ़ लेंगे। ग्रेडियंट डिसेंट इज एन इटरेटिव एल्गोरिथम दैट इज यूज्ड टू मिनिमाइज अ फंक्शन बाय फाइंडिंग द ऑप्टिमल पैरामीटर्स। ग्रेडियंट डिसेंट कैन बी अप्लाइड टू एनी डायमेंशन फंक्शन दैट इज 1D, 2D और 3D। वी विल बी वर्किंग ऑन फाइंडिंग ग्लोबल मिनिमा फॉर पैराबोलिक फंक्शन एंड विल बी इम्प्लीमेंटिंग ग्रेडियंट डिसेंट इन पाइथन टू फाइंड द ऑप्टिमल पैरामीटर्स फॉर लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। To implement a gradient descent algorithm, we require cost function that needs to be minimized, the number of iterations, a learning rate to determine the step size at each iteration, while moving towards minimum, and partial derivative for weights and bias to update the parameters of each iteration, and a prediction function. इतना सब कुछ लगेगा हमें ये calculate करने के लिए। क्या क्या लगेगा? Learning rate लगेगा, पार्शियल डेरिवेटिव्स, वेट्स एंड बायसेस के लगेंगे, लेट्स मैप पैरामीटर्स विद द ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम एंड वर्क ऑन एग्जांपल टू बेटर अंडरस्टैंड ग्रेडियंट डिसेंट। लेट्स कंसीडर अ पैराबोलिक इक्वेशन 4x2। 4x2 एक पैराबोलिक इक्वेशन है। बाय लुकिंग एट द इक्वेशन वी कैन आइडेंटिफाई दैट पैराबोलिक इज द मिनिमम एट x इक्वल्स टू 0 at x equals to 0 and y equals to 0। ये सबसे कम हो कब होगा? y equals to 0, x जब x को 0 करेंगे तब y भी 0 होगा। तो we can identify the parabolic equation, this equation is minimum at x equals to 0। ये सबसे कम कब होगा? जब x की वैल्यू हम 0 लिखेंगे तब। therefore x equals to 0 is the local minima of the parabolic function, which function 4x2। now let's see the algorithm of gradient descent and how we can obtain the local minima by applying gradient descent। चलो हम देखते हैं। repeat until convergence मतलब ये process तब तक करो जब तक loss zero नहीं होता, loss कम से कम नहीं होता, zero exactly नहीं, कम से कम। अब यहाँ पे देखो w weight और bias, mx plus b जो है यहाँ पे है वेट, w x प्लस b है वो इक्वेशन, w x प्लस b है। अब w और b दो पैरामीटर से मॉडल के, x तो इनपुट रहेगा हमेशा, वो चेंज होता रहेगा, बट ये परमानेंट रहेंगे एक बार इक्वेशन तैयार होने के बाद, ये चेंज नहीं होंगे कभी भी। तो अब ये अपडेट कैसे होंगे? पहले तो रैंडमली इनिशियलाइज किया, इसलिए w ओल्ड, ये वैल्यू ओल्ड वैल्यू है, ये कुछ नहीं बाकी ओल्ड वैल्यू है, इसी की पहले जो भी रैंडमली रखी थी हमने शुरुआत में। बाद में क्या है? माइनस लर्निंग रेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ जे, मतलब कॉस्ट फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेट, मतलब एक्स, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू दिस डब्ल्यू इटसेल्फ, मतलब वेट। बी इक्वल टू सिमिलरली बी विल बी बी बीटा माइनस लर्निंग रेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ जे डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ B। ये दो अपडेट अपडेशन के फॉर्मूले हैं वेट और बायस के। अब पहले ये देख लेते हैं स्टेप पहली क्या होती है। इनिशियलाइज ऑल द नेसेसरी पैरामीटर्स एंड डेरिवेटिव, सॉरी ऑल द पैरामीटर्स एंड डिराइविंग द ग्रेडियंट फंक्शन फॉर द पैराबोलिक इक्वेशन 4x2। द डेरिवेटिव ऑफ x2 इज 2x, अभी हमने देखा, and derivative of parabolic equation 4x2 will be 8x, so ye 2 multiply by 4 hota hai 8, aur x rehta hai sirf x square jo hai usme se x rehta hai, ye humne pehle bhi dekha hai, agar aap bhul gaye hai derivative calculate kaise karte ho to thoda sa refresh karo usko, but हार्डली एक घंटे के रिवीजन होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, उतना समय नहीं देना है आपको इसके ऊपर, इतना समझ में आया उतना ही सफिशिएंट है। ये तो एक्चुअली बैक एंड में वर्क हो रहा है, तो बैक एंड में कैसे वर्क हो रहा है वो सिर्फ समझना है हमें।
तो एक्स स्क्वायर का 2x है और 4x स्क्वायर का 8x है, और हमारे पास 4x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर का क्या होता है, डेरिवेटिव 8x होता है। तो रैंडम इनिशियलाइज x0 को किया है हमने एज अ 3 रैंडम इनिशियलाइजेशन, और लर्निंग रेट लिखा है हमने 0.01, तो 0.01 जनरली 01 ही देते हैं हम टू डिटरमाइन द स्टेप साइज, आप कौन सा भी दे सकते हो आपके हिसाब से, बट जनरली वाइडली एक्सेप्टेड जो लर्निंग रेट है वो 0.01। अब इसका ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ग्रेडियंट कैलकुलेट करना मतलब स्लोप कैलकुलेट करना, ग्रेडियंट फंक्शन dy by dx कैलकुलेट करना। तो dy by dx क्या है, 4x स्क्वायर का 8x है डेरिवेटिव, ये पहले तो डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया ग्रेडियंट का। अब उसके बाद लेट्स परफॉर्म 3 इटरेशंस ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। पहले इटरेशन में हम देख लेते हैं, तो पहला इटरेशन में क्या है, x1 इक्वल्स टू x0 माइनस लर्निंग रेट इनटू ग्रेडियंट। अब x0 क्या था, पहले तो इनिशियलाइज किया था हमने, रैंडम इनिशियलाइजेशन वेट का किया था 3, ठीक है, तो 3 आ गया हमारा रैंडम इनिशियलाइजेशन, माइनस 0.01 ही कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको अल्फा टर्म बोलते हैं, ये स्टेप साइज है, स्टेप तो अपने हिसाब से हम वो नॉब जो घुमा रहे रेडियो का, वो नॉब की नॉब कितने स्टेप से कितने साइज से घुमा रहे वो है, ये वो पैरामीटर है, राइट, 0.01 मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कितना आया, 8 आया, ग्रेडियंट 8 आया, 8x, 8 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 3 है, अगर ग्रेडियंट 8x आया dy by dx तो यही है ना, ये dy इंटू ग्रेडियंट क्या है, dy by dx है, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, 8 इंटू 3, 8x, 8 इंटू 3, तो कितना आया, x1 का वैल्यू 2.71। अब इटरेटिवली क्या कर रहे हैं हम, अब नया जो x है हमारा, इसका वैल्यू 2.76 है, अब इसका वैल्यू 3 नहीं है, पहले तो 3 था, राइट, ये 3 था, अब इसका वैल्यू हमने अपडेट किया, अब ये 2.76 है, तो सेम सिर्फ x यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो रही है, 2.53 आ गया, फिर 2.33 आ गया, ऐसे ही हम इटरेटिवली उसको, अब देखो यहाँ पे कम कर रहे हैं x की वैल्यू को, x x1 की वैल्यू को, x ये नॉर्मल x नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे गलती से क्या हुआ है, x0 इक्वल्स टू 3, x0 इक्वल्स टू 3, तो ये अपना वेट है एक्चुअली, वेट भी इसी तरह होता है, ठीक है, ये वेट है x0, ये वेट है, वेट, ये वेट है x, dy by dx, 4x, 4x, 8x जो भी है, ये वेट है, ये वेट को हम अपडेट करते जा रहे हैं। और एक बार हमने वेट को अपडेट किया, इस प्रेडिक्शन फंक्शन में y equals to mx plus c का फंक्शन, wx plus b, तो x is the independent variable, ये तो हमें पता है, y is dependent variable, w is the weight associated with input variable, और b is the bias. अब cost function अगर calculate करना है हमें, तो पहले तो MSC calculate करेंगे हम, ये वाली term पहले calculate करेंगे, फिर cost function जो j है वो calculate करेंगे हम, ये होने के बाद partial derivative j W, JW, derivative of J divided by derivative of W, with respect to derivative of W, ये calculate करेंगे हम, इसका formula देखो, minus 2 divided by N, summation of I equals to 1 to N, XI into YI minus W, XI plus P, partial दोनों derivatives देखो, DJ by DB क्या होता है, ये final equation हमारे पास ready है, और उसके बाद सिर्फ हम ये पैरामीटर्स अपडेट करते जाते हैं, क्योंकि ये इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो ये तो पता हो लग गया आपको, ये वाला उसका फार्मूला है, उस फार्मूले से अब ये वैल्यू कैलकुलेट करो, दोनों वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, dj by dw और dj by db, ये दोनों वैल्यू अगर मिल गई आपको, तो सिर्फ ये वैल्यूज अपडेट करते जाने हैं।
और अगर आप बोलोगे कि ये एग्जैक्टली होता कैसे है पाइथन में, तो पाइथन में एक फंक्शन लिखा है मीन स्क्वेयर एरर का। पहले तो मीन स्क्वेयर एरर कैलकुलेट करते हैं हम, ये पता है आपको y true minus y predicted whole square divided by length of y, मतलब number of samples, इतना लेने के बाद कॉस्ट कैलकुलेट होगी। कॉस्ट कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पे जो कर रहे हैं हम करंट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, करंट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर ये इफ द चेंज इन कॉस्ट इज लेस देन और इक्वल टू स्टॉपिंग थ्रेशोल्ड वी स्टॉप द ग्रेडियंट डिसेंट, वी विल स्टॉप द ग्रेडियंट डिसेंट, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू लूपिंग ओवर दिस फंक्शन। प्रेडिक्शन निकालेंगे, प्रेडिक्शन करंट कॉस्ट निकालेंगे। प्रेडिक्शन पता है आपको, करंट कॉस्ट मतलब मीन स्क्वेयर्ड एरर ऑफ, मीन स्क्वेयर्ड एरर ऑफ वाई एंड वाई प्रेडिक्टेड, ये कैलकुलेट किया। तो प्रीवियस कॉस्ट और करंट कॉस्ट अगर सेम है, प्रीवियस कॉस्ट अगर करंट कॉस्ट से सेम है तो क्या करो उसको ब्रेक, प्रीवियस कॉस्ट एंड एब्सोल्यूट प्रीवियस कॉस्ट माइनस करंट कॉस्ट इज लेस देन और इक्वल टू स्टॉपिंग थ्रेशोल्ड है तो उसको ब्रेक करो, अदरवाइज क्या करो प्रीवियस कॉस्ट इक्वल टू करंट कॉस्ट करो। और करंट कॉस्ट से हमें क्या करो वेट, वेट और बायस निकालो और प्रिडिक्शन निकालो, फिर ये अगर कम है या फिर सेम है तो। वेट डेरिवेटिव और बायस डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया, माइनस टू बाई एन समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्रिडिक्टेड, सेम वेट डेरिवेटिव इस टाइप कैलकुलेट किया है, माइनस टू बाई एन। यहाँ पे अगर देखा आपने फॉर्मूला तो देखो माइनस टू बाई वन समेशन ऑफ ये वाला पूरा समेशन एक्स आई मतलब एक्स इनपुट है और वाई आई माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स आई प्लस बी, यही सेम हमने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे सिर्फ हम वेट और बायस टर्म को अपडेट करते जाएंगे। एक बार अपडेट किया तो इस वाले डेटा सेट के ऊपर हमने वो चलाया है एल्गोरिदम, इस वाले डेटा, ये डेटा सेट है, एक्स की कीमत है, ये वाई की कीमत है, यहाँ पे इटरेशंस 2000 इटरेशंस कर रहे हैं हम, ग्रेडियंट डिसेंट जो फंक्शन हमने ऊपर बनाया है वो यूज कर रहे हैं। और ये यूज करने के बाद हमें इटरेशन वाइज देखो कॉस्ट, पहले कॉस्ट ज्यादा थी रैंडमली इनिशियलाइज किया था हमने, पहले कॉस्ट ज्यादा थी तो वेट ऐसे थे 0.75 था और बायस की टर्म ये थी, मतलब एम की टर्म प्लस सी की टर्म ये थी पहले, फिर बाद में कॉस्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, देखो ऑप्टिमम लेवल पे आ गया ये, अब इससे कम नहीं हो पा रहा है, 98 98 90 सारे 98 है, कुछ पॉइंट्स में ही थोड़ा सा फर्क आ रहा है। तो वेट की साइज और फिर बायस की साइज सेम आ रही है, तो जब ये सेम आ रही है तब क्या बोल रहे हैं हम इसको ब्रेक कर दो इस लूप को, ये प्रीवियस कॉस्ट एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ प्रीवियस कॉस्ट माइनस करंट कॉस्ट आर लेस देन और इक्वल टू स्टॉपिंग थ्रेशोल्ड है हमारा, तो क्या करो उसको ब्रेक करो और उसको करंट कॉस्ट इक्वल टू प्रीवियस कॉस्ट कर दो, और उससे जो भी वेट और बायस कैलकुलेट होंगे वो दे दो हमें। तो फाइनल एस्टिमेटेड वेट्स और बायस क्या है हमारे, एम और सी, ये है एम और सी। तो देखो पहले तो लाइन शायद यहाँ रही होगी, थोड़ा इटरेट करते 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 इस अब ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स बीच में से वो जा रही है, मतलब यहाँ पे एरर सबसे कम है, सारे एरर्स कैलकुलेट करोगे आप यहाँ, या प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल, ये एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, ये भी एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, यहाँ पे एक्चुअल है प्रेडिक्टेड वैल्यू यहाँ की इतनी है, ये सारे अगर एरर्स कैलकुलेट करोगे तो ये यहाँ सबसे कम एरर्स मिले हैं हमें, तो इसलिए हम उसको बेस्ट फिट लाइन बोलते हैं। अब ये सारा होगा बैकएंड में, ये बैकएंड कोड है, हमें तो ये कोड लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, एक्चुअली हमें लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट करना पड़ता है। देखो यहाँ पे
अभी ये एग्जांपल हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। न्यूज, टीवी, सेल्स, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये तीन वेरिएबल्स हैं हमारे पास और सेल्स टारगेट वेरिएबल है। तो उसके बाद रेड सीएसवी करते हैं हम, सीएसवी जो भी है आपकी प्राइस, यहाँ पे एक सेल्स इक्वल टू ए इंटू टीवी प्लस बी, लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन है ये। और हम जो देखो यहाँ पे बस एक ही लाइन, वन लाइन ऑफ कोड सिर्फ यूज करते हैं। डिफाइंड मॉडल क्या है, ओएलएस ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर्स और मॉडल डॉट फिट या फिर लीनियर रिग्रेशन डॉट फिट और डॉट प्रेडिक्ट, दो ही कोड सिर्फ है। बैक एंड में ये सब हो रहा है, ये सब करने की हमें जरूरत नहीं है मैन्युअली, हमें तो देखने की भी जरूरत नहीं है, बस हमें पैरामीटर्स ट्यून करने पड़ते हैं। पैरामीटर्स यानी क्या, हाइपर पैरामीटर्स, जो उसका लर्निंग रेट है, ये वाला चीज हम, ये वाली चीज हमें करनी पड़ती है। टॉपिंग थ्रेशोल्ड ये वाला देना, रिट्रेशंस देना भाई, फिर जितने इटरेशंस दिए हैं आपने उसके हिसाब से वो उतनी देर तक ये कैलकुलेशन चलता रहेगा। ये जो ऊपर फॉर्मूला किया है वो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ मुझे, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है जो हम वो, ये जो, हाँ ये जो ऊपर कॉस्ट फंक्शन और ये सब पार्शियल डेरिवेटिव, ये मुझे अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। अच्छा तो देखो यहाँ तक ये क्लियर है आपको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर ये क्लियर है तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं कॉस्ट फंक्शन, तो ये वाला फॉर्मूला है उसका जो हमने कॉस्ट निकाली अभी तक। तो ये फॉर्मूला है, इसको एज इट इज वो करें, मतलब ये लेके चलेंगे कंसीडर करके कि यही फॉर्मूला रहेगा हमेशा। राइट राइट, यही फॉर्मूला, ये चेंज नहीं होगा कभी भी, ये फॉर्मूला ही है मैथमेटिक्स में। ये कैसे आया क्या नहीं, तो कुछ कुछ तो आपको पता एटलीस्ट चल गया होगा कि 1 डिवाइडेड बाय n मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स है ये। यहां पे लिखो या फिर उसको बाजू में लेके आओ, -1 डिवाइडेड बाय n यहां पे लेके आओ। समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n yi, मतलब कि ये है आपका एक्चुअल माइनस ये है प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड क्या है, y का मतलब क्या होता है, mx plus c। तो y ऐसे लिखने, ऐसे नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने wx plus b लिखा है y हैट की जगह पे, तो उसका इक्वेशन लिखा है बस। अगर ये, okay. ये अगर dj, अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, dj by dw करना है। अब इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करो इस इक्वेशन का, तो ये जो स्क्वेयर है तो स्क्वेयर यहाँ पे चला जाएगा राइट, तो -2, तो ये जो 2 है ये यहाँ पे चला गया है एक्चुअली, और इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिजल्ट आता है। इसका डेरिवेटिव आप निकालोगे इस होल टर्म का विथ रिस्पेक्ट टू w, तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला इक्वेशन बन जाएगा, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा 2/1, और ये y माइनस ये जो भी है, और इस एक्चुअली इस टर्म ने क्या किया, dj by dw में ये x कहां से आ गया समीशन के बाद, ये एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू w है, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं है ये। अच्छा पार्शियल डेरिवेटिव है सर, कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं है, ये कंप्लीट डेरिवेटिव भी नहीं है, पार्शियल है। पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कैसे किया जाता है, हम सिर्फ w को ही वेरिएबल लेंगे और बाकी सब वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ऐसा है उसका नोटेशन भी हम। राइट, पार्शियल डेरिवेटिव मतलब w को वेरिएबल लेंगे और बाकी सब कांस्टेंट, तो अगर ऐसा करेंगे तो ये वाला आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बट इसमें xi कहां से आया, जब हम एक्चुअली यहाँ पे xi को क्या कर रहे हैं, हम इसको बाहर ले रहे हैं, इस पर वो तो यहाँ अंदर है wxi, y माइनस wxi प्लस b, ये तो सेम है xi, तो w का वेरिएबल है वो सर xi, दो टर्म आएंगी, दूसरी टर्म का ये आएगा, ये xi तो अलग है ही। नहीं, एक्चुअली ये बराबर है ना इसका, यहाँ पे दो टर्म आएगी,
तो दो टर्म का एक का एक्स आई है, दूसरे का जो है वाई आई माइनस डब्ल्यू आई प्लस बी, सर यहाँ पर कैसे आता है, पहले टू इंटू ब्रैकेट की पूरी वैल्यू, फिर बाकी सब वो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो, मतलब W पहले y का डेरिवेटिव जीरो और b का डेरिवेटिव जीरो, फिर x का हमारा वेरिएबल है माइनस W आएगा और इंटू माइनस W, इसलिए माइनस एक्स आई सॉरी, और वो माइनस टू बाहर जेत लेते हैं हम और एक्स आई अंदर ही रहता है, ऐसा मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि अगर सारे कांस्टेंट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू निकाल रहे हो आप पहली बार, तो ये टू बाहर चला गया और यहाँ पे सिर्फ इसका जीरो हो गया, इसका जीरो हो गया डेरिवेटिव, माइनस एक्स आई रह गया सिर्फ, तो माइनस को भी बाहर लेके जा रहे हो आप, सिर्फ खाली एक्स आई बचा यहाँ पे, एक्स आई बचेगा हमारे यहाँ। और फिर इनटू में सेम चीज क्यों आ रही है, तो फिर मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे 2x आता है, वैसे ही ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसलिए 2 इनटू ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर की टर्म का डेरिवेटिव बाद में, ऐसा है 2 इनटू ये पूरा टर्म वैसे के वैसे रहेगा क्योंकि ये 2 सिर्फ जा रहा है और इसका x आई हो रहा है, तो ये टर्म वैसे के वैसे ही आ रही है, जैसे 2x स्क्वायर है, अब 2x स्क्वायर का कितना होता है 4x, 4x होता है राइट, तो 4x x की वैल्यू वैसे वैसी रहती है, तो ये एंटायर टर्म की वैल्यू भी सेम रहेगी, लेकिन फिर यहाँ x जो आया वो तो जीरो पुट करने पे आया, जब हम y नहीं ये क्या जीरो, जब w को डिटेल में जाना पड़ेगा सर, बहुत ही बेसिक से पता चलना पड़ेगा, बेसिक ही समझने पड़ेंगे तब आएगा, हाँ ऐसे बहुत कंफ्यूज होगा आपको, ऊपर से निकल जाएगा तो हम एक बार देखेंगे उसको, पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, तो f by dou x, f into x plus h into y, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट कैसे किया है उन्होंने, एग्जांपल से समझ लेते हैं हम, ये बेसिक एग्जांपल ये देखिए सर, यहाँ पर 3x plus 4y का, 3x plus 4y का, हाँ, keep y as constant and constant का derivative zero, तो output हमारा 3 आएगा इस, और with respect to x लिया तो, और y लिया तो 4 आएगा, 3 का 0 होगा, और यहाँ पे फाइंड आउट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई टू एक्स वाई आ गया, कॉस का जीरो आ गया, तो ये हो गया टू एक्स प्लस कॉस एक्स, इतना समझ में आ गया हमें, फिर व्हेन वी कीप वाई एज अ कांस्टेंट, सो वाई एज अ कांस्टेंट, कॉस वाई बिकम्स अ कांस्टेंट, सो इट्स डेरिवेटिव बिकम्स जीरो, सिमिलरली वी फाइंड एफ वाई, सो डी एफ बाई डी वाई अगर कैलकुलेट किया तो क्या होगा, और यहाँ पे क्या किया है, एक्स वाई जेड से किया है उन्होंने, तो डो एफ बाई डो एक्स, डो एफ बाई डो वाई सिमिलरली, और डो एफ बाई डो जेड, ठीक है, ये यही कैलकुलेट किया है वो, आ गया यहाँ पे भी, तो पहले उन्होंने W के वेट के रिस्पेक्ट किया है, वेट के रिस्पेक्ट से किया है,
यहाँ पे और dj by db में क्या किया है b के रिस्पेक्ट से किया है, b के रिस्पेक्ट से। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लो और पार्शियल डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बस उसका ये पार्शियल डेरिवेटिव है। ये तो इंटरनली सब कैलकुलेट कर रहे हैं और इसके अंदर इतना ही रखते हैं माइकल, सभी और चीज समझनी पड़ेगी हमें, ऊपर से निकलता है तो। कौन सी वाली ऊपर, मतलब पहले समझना पड़ेगा एक मैं ऊपर में कोई क्लियर हुआ नहीं, ये यही पे डेरिवेटिव एक बार समझे तब उसके बाद में बढ़ाइए। ठीक है, एटलीस्ट इतना समझ में आ गया ना ये वाला, ये अपना एग्जांपल ना, बस उतना सफिशिएंट। ये तो अगर ये इतना सिंपल सिंपल एग्जांपल समझ में आ गया ना तो यही यही सफिशिएंट है, बाकी तो कोई नहीं पूछने वाला कि ये कैलकुलेट कैसे हो रहा है, बस आपको ये पूछेंगे कि वर्किंग कैसी है ग्रेडियंट डिसेंट की, ग्रेडियंट डिसेंट होता क्या है, तो आपको एक डेफिनेशन आनी चाहिए उसकी और ये क्या अपडेट करता है कॉस्ट को मिनिमाइज करने कि हम कोशिश करते हैं, यहाँ पे वेट एडजस्ट करते हैं, मॉडल वेट्स मॉडल पैरामीटर्स को अपडेट करना ये हमारा टारगेट होता है। बस ये चार लाइन है आपको इंटरव्यूअर को बतानी है, बाकी तो इसकी बैकएंड की वर्किंग है। और अगर इतना भी ये वाला अगर डेरिवेटिव आ गया आपको जो हमने पहले देखा था ये सिंपल सिंपल का, राइट, अगर ये वाला इक्वेशन है हमारे पास एट एक्स, तो एक्चुअली एट एक्स उसका ग्रेडियंट बनता है, ग्रेडियंट फंक्शन एटेक्स, और एटेक्स को ही हम फिर मिनिमाइज करते जा रहे हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड चीज में मत जाओ, बस ये तो पता है आपको एक्स माइनस लर्निंग रेट इनटू ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट किया, सीधा सीधा डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है यहाँ पे, तो सिंपल फंक्शन का, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का हम इस टाइप कैलकुलेट करते हैं। और अगर ये भी याद रखना है आपको तो ये याद रखो, ये वाला कॉस्ट फंक्शन और ये सीधा फॉर्मूला याद रखो, बस दो ही तो फॉर्मूला है dj by dw और dj by db, ये दो सिंपल इक्वेशन जब होता है वो तो पता ही होता है आपको कैसे कैलकुलेट किया है हमने ये वाले। और इसका पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन में क्या लिखेंगे हम, माइनस वेट डेरिवेटिव क्या है, माइनस टू इंटू एन समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्रेडिक्टेड, ये वाला फॉर्मूला सिंपल है। आप वेट डेरिवेटिव और बायस डेरिवेटिव इंप्लीमेंट कैसे करना है, y माइनस वाई प्रेडिक्टेड इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्रेडिक्टेड, मतलब क्या, ये वाला फॉर्मूला देख लो, x माइनस लर्निंग रेट इंटू ग्रेडियंट, मतलब लर्निंग रेट इंटू दिस ग्रेडियंट, मतलब ये x 8 इंटू एक्स किया है यहाँ पे, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया है इंटू वाई माइनस वाई प्रेडिक्टेड, ये भी सिंपल फॉर्मूला है डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए। ग्रेडियंट्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो उन्होंने वो लोग ऐसे फाइंड आउट कर रहे हैं ग्रेडियंट को। अब यहाँ पे सिंपल है ये इम्प्लीमेंटेशन, कोई बोलता है पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, यहाँ पे उन्होंने पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है, यहाँ पे नॉर्मल डेरिवेटिव भी कैलकुलेट किए हैं, राइट, यहाँ पे देखो ये वाले इम्प्लीमेंटेशन बोलता है सिंपली कैलकुलेट द ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट क्या होता है डेरिवेटिव होता है, बस यहाँ पे डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट्स इट। बट यहाँ पे मल्टीपल है एक्चुअली, एक्स और बी भी है, इसलिए दोनों कैलकुलेट किया है विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू भी कैलकुलेट किया है, विद रिस्पेक्ट टू बी भी कैलकुलेट किया है, बस दो अलग अलग कैलकुलेट किया है। बट अगर दो कैलकुलेट भी किया हमने तो उसका पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन ये सिंपल लिखा है उन्होंने, अगर ये वाला वो वाला समझ में नहीं भी आ रहा है ये वाला सिर्फ देख लो, वेट और बायस डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया है, ये तो काफ़ी सिंपल है, सम इनटू
sum of x into y minus y predicted. That's it, summation of this term, summation of this entire term. कोई भी जो आपको सही लगे, जो आपको समझ में आए, वो इम्प्लीमेंटेशन याद रखना है आपको। अगर ये सिंपल वाला आ रहा है तो सिंपल वाला याद रखो, ये वाला इटरेशन, ये जो स्टेप्स लिखे हमने, ये तीन स्टेप्स, राइट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, ये तीन सिंपल इटरेशन कैसे होता है, बस दैट्स इट। इतना समझने के लिए काफी है। और इंटरव्यूअर को तो ये तीन चार लाइनें समझानी है आपको, कौन कौन सी, ग्रेडियंट डिसेंट क्या है, हम क्या कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हम कॉस्ट कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, ये वाला, ये इतना इतना फॉर्मूला, ये जे का, फिर डी जे बाय उसी का डेरिवेटिव निकालेंगे हम, डी जे बाय डी डब्ल्यू और डी जे बाय डी बी, ये दो डेरिवेटिव्स, ये नॉर्मल डेरिवेटिव्स है, कहीं पे नॉर्मल निकाला है, नॉर्मली निकाला है, कहीं पे पार्शियल फंक्शन यूज करके निकाला है, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं। कोई भी निकाला, अगर अलग अलग टेक्निक से अलग अलग वेज है मैथमेटिक्स में, जैसे आपको बोला मैंने कि मीन स्क्वेयर्ड एरर यूज कर सकते हैं आप, या फिर रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर यूज कर सकते हैं, राइट, ये कैलकुलेट करने के लिए। कॉस्ट कम करनी है तो कॉस्ट का फॉर्मूला तो कुछ भी कर सकते हो आप, आपके हिसाब से आर एम एस सी ले लो या फिर एम एस सी ले लो, वैसा ही है, पार्शियल निकालो या डेरिवेटिव्स निकालो इसके, नॉर्मल डेरिवेटिव्स, कौन सी भी टेक्निक यूज करो, आंसर मोर और लेस सिमिलर टाइप इटरेशन आ जाएंगे, सिमिलर टाइप आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अलग अलग वेज है सिर्फ यहाँ पे, वो अलग अलग वेज तो हमने लिस्ट डाउन किया है, आपको कन्फ्यूज हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है तो सिर्फ एक ही याद करो, याद रखो इतना सिर्फ, ये सिंपल वाला फॉर्मूला, दैट्स इट। और बाकी याद भी करने हैं तो सिंपली ये याद रखो, आप पार्शियल और डेरिवेटिव कब करते बैठेंगे, राइट, ओके, कोई पूछने भी वाला है नहीं, बस डायरेक्ट ये याद रखो यही होता है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव यही होता है, नहीं तो फिर आप दो चार आर्टिकल पढ़ के इम्प्लीमेंटेशन सीखो और उसके बाद पता चल जाएगा, तो अननेसरी टाइम वेस्ट क्यों करना है आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, किसी को कोई कुछ पॉइंट डिस्कस करना है तो करेंगे, फिर आज के लिए यही रुकेंगे। तो इसमें इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये एल्गोरिथम पूछते हैं या फिर हाउ ग्रेडियंट डिसेंट वर्क्स, व्हाट इज ग्रेडियंट डिसेंट एंड हाउ इट वर्क्स, कैन यू टेल मी इन लेमन टर्म्स, तो लेमन टर्म्स में बता दो कि ये वर्क कैसे करता है, मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है ऐसा समझो, और मुझे एकदम आसान भाषा में समझाओ, ये वाला क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में, तो उसके अराउंड आपको एक तो टेक्निकल लैंग्वेज में डेफिनेशन बतानी है, फिर बताना है कि आपको एक एनालॉजी देनी है, जैसे हमने वो समिट वाली दी माउंटेन और आप वो वाली एनालॉजी देनी है, वैसे ही हम बोलना है कि वेट्स, अगर रैंडम इनिशियलाइजेशन होता है वेट्स का, तो हम कॉस्ट कैलकुलेट करके कॉस्ट को रिड्यूस करना, कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना ग्रेडियंट डिसेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, राइट, और हम वो कैसे करते हैं, एम एक्स प्लस सी में एम और सी को ऑप्टिमाइज करते हैं, ये दो पैरामीटर्स को हम ऑप्टिमाइज करते हैं। इतना ही बताना है, बस सफिशिएंट है ये चार पांच लाइन।
अब यहाँ पे कहीं आगे कैलकुलेट डेरिवेटिव और वो सब चीजें नहीं आई, राइट? तो ये तो पता है आप सबको एग्जैक्टली क्या वो लोग पूछते हैं और कैसे आपको आंसर बनाना है उसके आराम। कुछ क्वेश्चंस मोनिका? नहीं सर। सुशांत? नहीं सर। वेद? तो लीनियर अलजेब्रा में हमने मतलब ये सब डेरिवेटिव्स वगैरह आते हैं, और क्या टॉपिक आते हैं जो हमें पढ़ना चाहिए? नहीं, मतलब आगे की एल्गोरिथम्स में जो यूज हो? नहीं नहीं, बस बस इतना ही, इतना सफिशिएंट है जो हमने यहाँ, हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, कोई नहीं इतना पूछने वाला डिटेल में। तो मैं बोलूंगा जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है मैं बोलता जाऊंगा कि इसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो या फिर इसमें डिटेल में जाओ। जैसे डेरिवेटिव्स भी अब भूल गए थे तो भी याद ही नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था। इतना ही उसका काम है, मतलब जो हमने आज पढ़ा है ना, आज के बाद शायद ही पढ़ेंगे हम डेरिवेटिव। ओके, वो आप बताते जाना जहाँ जहाँ हमें स्ट्रेस लेना, वहीं पर हम पूछना करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, समझते रहेंगे। आज जितना आज पढ़ा है ना डेरिवेटिव की उतनी ही मतलब ये है स्कोप है डेरिवेटिव का, बस। आज के बाद ना प्रोबेबिलिटी आगे पढ़ेंगे हम, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, तो कहीं पे यूज नहीं होगा। बस आज के लेक्चर में इतना ही उसका यूज था डेरिवेटिव का, आगे कभी नहीं पढ़ेंगे अब हम अगले 8-9 महीने में डेरिवेटिव, जितना आज का है उतना ही है। उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। वो नंपाई का जो इम्प्लीमेंटेशन आपने बताया ना, वो भी कोई पूछता है क्या? फिर हमें बेसिकली फिट नहीं होने नंपाई का इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या? आज का जो ये पढ़ा है हमने लास्ट में आपने जो दिखाया था वो ये वाला इम्प्लीमेंट आज कॉस्ट निकाल ले पाइथन में जो बताया था। हां, कुछ नहीं होता है ये, तो बैक एंड में वर्किंग हो रही है, हमें वन लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है सिर्फ। ये तो हम करते भी नहीं, हम सिर्फ ये वन लाइन ऑफ कोड लिखते हैं लीनियर रिग्रेशन .fit.predict दो कोड। डॉट फिट मतलब फिट करो डेटा के ऊपर। देखो यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन जब हम इंप्लीमेंट करते हैं, ये इंटरनली सब कुछ कैलकुलेट हो रहा है। एक आधा आर्टिकल पढ़ लो, देखो यहाँ पे लिखा है कैसे कैलकुलेट किया है डेरिवेटिव। अब वो और एक बार हम ठीक है देखेंगे, अगर लीनियर रिग्रेशन में भी टाइम मिलता है तो जे की वैल्यू यहाँ पे देखो बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू एक्स आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर और दो जे बाय दो बीटा जीरो विथ रिस्पेक्ट टू बीटा जीरो क्या होती है उसकी वैल्यू टू डिवाइडेड बाई एन और ये सेम वैल्यू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई माइनस वाई आई विथ रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट एंटायर टर्म और फिर डी जे बाई डी बीटा वन क्या आती है बीटा वन क्या है टू डिवाइडेड बाई एन समेशन ऑफ दिस टर्म फिर जे जे की वैल्यू क्या है डी जे बाई फिर डी बीटा नॉट डी बीटा वन। यहाँ पे देखो ये डिटेल में थोड़ा सा दिया है उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है बीटा नॉट प्लस बीटा वन की फाइनल वैल्यू क्या है बीटा नॉट बीटा वन माइनस अल्फा इंटू टू डिवाइडेड बाई एन इंटू समेशन ऑफ प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल इंटू एक्स आई बीटा नॉट प्लस यहाँ पे क्या लिखा था हमने माइनस टू बाई एन इंटू समेशन ऑफ माइनस टू बाई एन समेशन ऑफ दिस टर्म बीटा नॉट माइनस ये हम डेरिवेटिव कैलकुलेट किया रहो फाइनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने बोल रहे थे। तो सिमिलर इम्प्लीमेंटेशन है, थोड़ा सा आगे पीछे अलग अलग मैथमेटिशियंस लोगों ने अलग अलग थोड़ा सा वे में लिखा है,
कोई भी एक वे में आप समझो बस। और जो फाइनली ये मैं बोल रहा था कि हाँ यहाँ पे शायद होगा उसका, देखो यहाँ पे x की वैल्यू एक कॉलम, y की वैल्यू एक कॉलम, ठीक है। x और y की वैल्यू अगर हमने ले ली तो हम फिट कैसे करते हैं उसको, ये सब कुछ कैसे करते हैं, तो वन लाइन ऑफ कोड फिट द रिग्रेशन यूजिंग OLS। देखो यहाँ पे OLS एक्सट्रेन और y ट्रेन और एक्सट्रेन डॉट फिट मेथड है उसमें। एक्चुअली ये मॉडल है, ये मॉडल में हमने ट्रेनिंग भी डेटा डाला, टेस्टिंग भी डाला, मतलब ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वन है तो 1 लाख, 2 लाख है तो 2 लाख, सॉरी 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 लाख, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 3 लाख, ये वाले 5-6 डेटा पॉइंट डाल दिए उसमें फिट कर दिया, दैट्स इट। ऑटोमेटिकली सब कुछ कैलकुलेट कर रहा है वो, ये सब ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम इसका बैकएंड है, OLS का या फिर लीनियर रिग्रेशन का बैकएंड एल्गोरिदम है वो, बैकएंड में वो ऑप्टिमाइज करके हमें कॉन्स्टेंट और ये जो टीवी की ये एक्स बीटा प्राइस ये है वैल्यूज है, कॉन्स्टेंट बीटा की वैल्यू है, मतलब यम की वैल्यू और सी की वैल्यू है, ये कैलकुलेट करके दे देगा हमें। एम तो टीवी हो गया, ये एम टीवी हो गया इसमें, हाँ यम टीवी हो गया इसमें, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। ये वैल्यू आने के बाद देखो कोएफिशिएंट्स, अब हम वो आगे जाके देखेंगे, ये भी इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ, और वाई प्रेड कैसे कैलकुलेट होता है, डॉट प्रेडिक्ट, डॉट फिट, डॉट प्रेडिक्ट, ये सिर्फ दो कोड है। फिटिंग मतलब फिट करना ट्रेनिंग के ऊपर, ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर, प्रेडिक्शन मतलब प्रेडिक्ट करना टेस्ट के ऊपर। अब हम यहाँ पे हमने कहीं पे वो लंबा चौड़ा कोड लिखा क्या, नहीं लिखा, सिर्फ वन लाइन ऑफ कोड है, बाकी कोड भूल जाओ अभी के लिए, ये मत देखो ये कैसे कर रहे हैं हम क्या नहीं, हम आगे जाके इसको ये कोड समझेंगे बाकी कोड्स। अभी के लिए x और y है हमारे पास और हम फिट कर रहे हैं उसको बस, दैट्स इट। इसलिए इम्प्लीमेंटेशन काफी सिंपल है सब चीजों का मशीन लर्निंग में, बस थ्योरी थोड़ी सी आपको करनी है इंटरव्यू के लिए, वो भी बाकी तो सब कुछ सिंपल है। मॉडल बिल्डिंग, मॉडल इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी सिंपल होता है, बट डेटा प्रोसेसिंग, टेबल मर्जिंग्स वगैरह वो काम डिफिकल्ट है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है आपको कोडिंग के ऊपर आपके, राइट। बाकी ये मशीन लर्निंग काफ़ी सिंपल है। अब आपको ये भी पता चल गया कि आज के ऊपर क्या क्वेश्चन आने वाला है, वो पूछेगा कि ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम लेमन टर्म में मुझे एक्सप्लेन करो, नॉन टेक्निकल में आदमी हूँ, मुझे टेक्निकल चीज़ें नहीं पता, तो आप क्या करो मुझे उस टाइप एक्सप्लेन करो, कर दो उसको ये एक्सप्लेन, जो भी हमने वो थ्योरी पढ़ी है उतना एक्सप्लेन कर दो, दैट्स इट। आई होप कि उतना तो समझ में आ ही गया है सबको। यस उतना है। एक ही सवाल उससे आज के लेक्चर से तैयार होगा, ये वाला, और आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू तो आपको पता है वहां पे क्या सवाल करने वाले हो लोग, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन वाइज तो काफी सिंपल है, इतना बड़ा कोड तो बैकएंड में किसी ने इम्प्लीमेंट करके रखा है, ये यहाँ पे भी थोड़े थोड़े अलग अलग मॉडल से लीनियर रिग्रेशन और लीनियर लीस्ट स्क्वायर्स थोड़े थोड़े डिफरेंसेस के साथ वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको एक बार समझने की कोशिश करो, इस नोटबुक को करना है तो पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है और नॉर्मल डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है वो एक बार देख लो। आर्टिकल में शायद यही आर्टिकल है ना, हाँ ठीक है, ये तो खैर पढ़ेंगे हम और भी लीनियर रिग्रेशन के बारे में, तो इतना सफिशिएंट है, ठीक है, इतना मोर देन सफिशिएंट है जो आपने आज पढ़ाया, डोंट वरी।
अगर डेरिवेटिव नहीं भी किया तो भी चलेगा। और कुछ डिस्कशन करना है विवेकानंद वेद? क्लियर? हेलो नो ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं हम सुबह 10 बजे। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाय।